हेलो <nenhum bunları> <ayo> स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी यहां पर मौज में हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं बूस्टर बैच तो बूस्टर बैच का शेड्यूल मैंने लास्ट क्लास में शेयर कर दिया था मैं एक बार फिर से बूस्टर बैच के शेड्यूल को आपको बता देता हूँ हमारा जो बूस्टर बैच का शेड्यूल रहने वाला है ये रहा बूस्टर बैच का शेड्यूल देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एफ एम उठाई है एफ एम के अंदर आज हम कैपिटल बस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद में कल सुबह दस बजे वर्किंग कैपिटल डेटर्स मैनेजमेंट करेंगे शाम को रेशो एनालिसिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे बी आई और लीवरेज होगा परसों सुबह और शाम को कैपिटल स्ट्रक्चर डिविडेंड डिसीजन और कैश मैनेजमेंट हो जाएगा तो बूस्टर बैच बेसिकली रहता क्या है बूस्टर बैच सिनेरियो में आपको बता देता हूँ बूस्टर बैच का जो सिनेरियो है वो बड़ा ही सिंपल सा है आ, एक मिनट करता हूं आप सब लोगों से लाइव चैट वालों से ही बात पहले अपनी बात पूरी कर दूं बूस्टर बैच बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है मेरे सामने एक दिक्कत आई थी बहुत बड़ी जब मैं खुद पेपर दे रहा था सी इंटरमीडिएट के कि एग्जाम से पहले कौन से क्वेश्चन रिवाइज करके जाऊं तो मैंने एक दो चैप्टर तो पूरे कर लिए सारे क्वेश्चन कर लिए उनके बाकी आगे के चैप्टर मेरे छूट ही गए तो मुझे बात समझ में आई कि एग्जाम से पहले हम सेलेक्टेड क्वेश्चन कर सकते हैं हंड्रेड परसेंट कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो हंड्रेड परसेंट करके चली जाए तो एग्जाम में हंड्रेड परसेंट हम करके नहीं जा सकते बच्चे के लिए डिफिकल्ट होता है दो चीज़ें पहली चीज़ कंसेप्ट को रिवाइज करना दूसरी चीज कौन से क्वेश्चन करके जाए वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना ये दोनों बहुत मुश्किल काम है पहली चीज तो कंसेप्ट रिवाइज करने में ऐसा लगता है सब कुछ भूल गए हैं दूसरी चीज हमारे सामने ये आती है कि एग्जाम से पहले क्वेश्चन कौन से करने हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए कि कौन सा क्वेश्चन करें कौन सा ना करके जाए तो हमने यहां पर सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको करके जाने चाहिए और हंड्रेड परसेंट कंसेप्ट कवर किया है बच्चे पूछते हैं कि सर बूस्टर बैच है क्या बेसिकली क्या हम इसी को पढ़ के पास हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे आपको टेलीग्राम पर यूट्यूब पे कमेंट मिलेंगे कि हमने सर का बूस्टर बैच किया था और हम उसी से पास हो गए हमारे फिफ्टी सिक्स आ गए हमारे एट्टी आ गए सिर्फ बूस्टर बैच से आ गए देखो एक तुक्के की बात है मान लो सारे के सारे क्वेश्चन फंस गए और होता क्या है बेसिकली वो बच्चे सेल्फ स्टडी वाले होते हैं या कहीं से पढ़ा होता है लेकिन बूस्टर बैच के बाद उनको लगता है कि क्रेडिट नमी सर को दे दो बस यही बात है तो बूस्टर बैच बेसिकली रिवीजन है पूरा जो एग्जाम से पहले हमें रिवीजन करना चाहिए वो यहां पर रिवीजन चलेगा हम इसमें कोई गारंटी नहीं उठाते कि इससे बच्चा पास होगा हाँ इसकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि बच्चों के नंबर बढ़ते ही पड़ते हैं मान लो आपके तीस नंबर आने हैं तो साठ सत्तर नंबर आपके हो जाएंगे इसमें कोई भी दो राय नहीं है कोई डाउट नहीं है तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है पुराने बच्चों को भी मिला है बाकी मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि देखो जो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि मे ट्वेंटी के लिए भाई ये क्वेश्चन रेलिवेंट है मैंने तो अपने पास से निकालकर बूस्टर बैच में रख दिए टोटल एफ में एटी टू क्वेश्चन है और इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ आप टेलीग्राम पे जाओगे तो सी ए नमी तरोरा चैनल पे आप जाना सी ए नमी तरो वहाँ पर आपको ये एफ एम बूस्टर मे ट्वेंटी फोर नोट्स मिल जाएंगे इसको मैं पिन भी कर देता हूँ ये पिन कर दिया मैंने तो ये नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो इन नोट्स के अंदर टोटल एटी फोर क्वेश्चन हैं एटी टू टोटल एटी टू क्वेश्चन हैं तो मैंने एटी टू क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैं एक एक चैप्टर आपको करवाता जाऊंगा आपको उसके बाद में लगता है कि कुछ और क्वेश्चन भी आपको बेटर लग रहे हैं जैसे मान लो आपने हमारा रेगुलर बैच लिया है या हमारा फास्ट ट्रैक बैच लिया है या आपने सेल्फ स्टडी की है या आपने किसी और ऑथर से क्लास ली है किसी और टीचर से क्लास ली है और आपको लगता है कि कुछ और भी क्वेश्चन है जो आपको साथ में कर लेने चाहिए तो आप इस बैच के अलावा उन क्वेश्चन को भी रेफर करिएगा दूसरा पॉइंट ये कि क्या सर लिख लिख कर क्वेश्चन करने है या फिर कैलकुलेटर पे करने

उसके बाद में फिर हम चलते रहेंगे आज इससे स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर मैंने कैपिटल बजटिंग के नोट्स रख लिए हैं ये कैपिटल बजस्टिंग का मेरे सामने है अब आप लोगों को कोई अपनी बात बतानी है तो बता दीजिए और उसके बाद में फिर हम लोग लाइव चैट को बंद कर देंगे अब उसका रीजन ये है कि लाइव चैट से डिस्टरबेंस होता है तो पूरे सेशन में लाइव चैट नहीं रहेगा बच्चों का पूछना यह कि सेशन कितना चलेगा अप्रोक्स दो सवा दो घंटे में सेशन खत्म हो जाएगा पूरा किसी का कोई भी पॉइंट है तो बता दीजिए सबको पहले गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी आप लोग कर रहे हैं और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पहले बता दीजिए उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं सर आपने शेड्यूल वाले लेक्चर में कहा था स्टार्टिंग ऑफ फ्यू मॉड्यूल से ही आता है और ज्यादा ध्यान मॉड्यूल पे मॉड्यूल पे पर मॉड्यूल पे ध्यान देना ही देना है मॉड्यूल के तो सारे क्वेश्चन आपको करने ही है यहाँ पे मॉड्यूल के मोस्टली क्वेश्चन कवर है अब देखो आप लोगों को मैं बताऊं मैं चैट का रिप्लाई नहीं कर सकता मेरे लिए पॉसिबल नहीं आप देख ही रहे होंगे सर बहुत ज्यादा चैट है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल बस्टिंग लाइव चैट को मैं मुझे बस एक में पोल डाल रहा हूँ उसका जवाब दे दो और उसके बाद में मैं आगे बढ़ने वाला हूँ ऑफ मैंने पोल डाल दिया बस इसका जवाब दे दो और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे लाइव चैट ऑफ कर देनी चाहिए या नहीं मेरे हिसाब से लाइव चैट डिस्टर्ब करती है तो मेरे को तो लगता है बंद कर देनी चाहिए डन सारे बच्चे कह रहे हैं बंद कर दो लाइव चैट आपकी डन लाइव चैट मैंने बंद कर दिए देखिएगा कैपिटल बस्टिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे पास क्या रहेगा हमारे पास रहता है बिजनेस इस पूरे बिजनेस को एफएम मैनेज करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो एक हमारे पास रहते हैं सोर्स ऑफ फंड कुछ चैप्टर उनसे रिलेटेड है और एक हमारे पास रहता है एप्लीकेशन ऑफ फंड तो एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर हमारे पास एक वर्किंग कैपिटल में पैसा लगता है जो हम कल करेंगे चैप्टर और एक लगता है फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जैसे आपने किसी कंपनी को एक्विजिशन कर लिया तो उसके शेयर आपके पास आ गए तो वो आपका कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो गया तो फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो हमारे पास फिक्स एसेट्स को या इन्वेस्टमेंट को इसको परचेज किया जाए या ना किया जाए यस yes no. और नो और इन्वेस्टमेंट हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स हैं तो उनको सेल किया जाए या ना किया जाए इसका जवाब आपके पास कैपिटल बस्टिंग चैप्टर देगा तो कैपिटल बस्टिंग हमें बताता है कि फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को अगर खरीदने जा रहे हैं तो खरीदें या ना खरीदें हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं और अगर बेचने जा रहे हैं तो बेचें या ना बेचें हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन रेफर्स टू द डिसीजन इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज और सेल ऑफ एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब ये बताएगा कैसे तो इसके लिए हमारे पास कैपिटल बस्टिंग में कुछ टेक्निक्स हैं टोटल हमारे पास सेवन टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स से हम कैलकुलेट करते हैं कोई कंपनी सिर्फ एक टेक्निक लगा सकती है कोई कंपनी सातों टेक्निक अप्लाई करके आंसर देख सकती है तो इसमें हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं इन टेक्निक्स को लगाया जाता है ये टेक्निक्स आपको बताएंगी कि प्रपोजल इवेल्यूएट करके कि भाई इसको परचेज करना चाहिए या नहीं या सेल करना चाहिए या नहीं इंपॉर्टेंस क्या रहेगी हमारे पास कैपिटल वर्स्टिंग की एक तो कैपिटल वर्स्टिंग डिसीजन की इंपॉर्टेंस इसलिए ये थ्योरी में आ सकता है कि इन्वॉल्वमेंट है सबसे एक्सपेंडिचर पैसा बहुत ज्यादा ब्लॉक होता है तो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है ज्यादा पैसा आपका लगने वाला है इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहता है आपकी ग्रोथ पर इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है कि अगर पैसा डूब गया तो डूब गया इन है यानी एक बार डिसीजन लेने के बाद आप वापस नहीं आ सकते जैसे आपने सोच लिया कंपनी परचेज कर लो तो परचेज कर ली तो परचेज कर ली उसके बाद रिवर्स बैक का ऑप्शन नहीं है और डिसीजन कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ये सिंपल सोवर सा डिसीजन नहीं है कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है तो इसलिए कैपिटल बेस्टिंग डिसीजन की इंपॉर्टेंस है हमारे पास टेक्निक क्या क्या रहेंगी हमारे पास दो तरीके की टेक्निक है एक है ट्रेडिशनल टेक्निक जिनको नॉन कैश डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं और दूसरी है टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक है इसके अंदर दो टेक्निक रहेंगी ए और पे पीरियड और जो हमारी टाइम एडजस्टेड टेक्निक है उसके अंदर डिस्काउंटेड पे बैक एन पी आई आर आर पी आई और एम आई आर आर पाँच टेक्निक रहती हैं यहां पर जो टेक्निक्स हैं इनके लिए कैश का जो फ्लो है और जो प्रॉफिट का फ्लो है वो अलग अलग है तो हमारे पास यहां पर एक बात रहेगी बुक प्रॉफिट वर्सेज कैश फ्लो बुक प्रॉफिट का मतलब होता है जो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आप जैसे सेल लेंगे सेल में से खर्चे माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट ये सारी चीजें तो आप जो चीजें माइनस करेंगे यहां पर सेल में से फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट उसमें डेप्रीशिएशन यानी नॉन कैश आइटम भी माइनस होता है इसके बाद आपके पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें टैक्स माइनस करके पीएटी आ जाता है पीएटी को हम बोलते हैं बुक प्रॉफिट या फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट कैश फ्लो कैश फ्लो का मतलब है कि आपकी जेब में कैश कितना आ रहा है या कैश कितना जा रहा है यानी आपका फोकस प्रॉफिट पे नहीं कैश कैश पर है तो फ्लो के अंदर हमें क्या करना होता है जो डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है उसके इफेक्ट को एक्सक्लूड करना होता है तो हमारे पास कैश फ्लो आ जाएगा तो अगर हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं और साथ में डेप्रीशिएशन भी माइनस करते हैं तो अकाउंटिंग या बुक प्रॉफिट पर पहुंच जाते हैं बिफोर टैक्स इसमें से टैक्स माइनस किया हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाता है इसमें नॉन कैश आइटम आपने ऊपर माइनस किया था यहां पर एड बैक करके उसके इफेक्ट को हटाएंगे तो हम कैश फ्लो पर आ जाएंगे इसे हम बोलते हैं सी एफ ए टी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स या फिर कैश रिसीट आफ्टर टैक्स इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगी कि क्वेश्चन के अंदर ये जो टैक्स है इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा कैपिटल बस्टिंग में इनकम टैक्स कहता है कि हम उस प्रॉफिट पर टैक्स लगाएंगे जिसमें डेप्रीशियेशन माइनस होगा तो जो डेप्रीशियेशन है वो एज पर सेक्शन थर्टी टू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक मैंडेटरी एक्सपेंस है वो माइनस करना ही करना होता है तो इनकम टैक्स कहता है कि आपको डेप्रीशिएशन माइनस करना है उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा हम उस पर टैक्स लगाएंगे तो आप पहले डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर पहुंचेंगे टैक्स लगाएंगे फिर डेप्रीशिएशन को बैक करेंगे और उसका इफेक्ट हटाकर कैश फ्लो पर पहुंचेंगे तो बुक प्रॉफिट सिंपल पीएटी तक पहुंचना है और कैश फ्लो आपको उसमें डेप्रीशिएशन बैक करके पहुंचना है अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स हो ही ना तो क्या होगा अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो आप सेल में से डेप्रीशिएशन को अगर माइनस ना करें तो जिस अमाउंट पे आप पहुंचेंगे वो आपका कैश फ्लो बन जाएगा वाला तो कोई सीन ही नहीं है फिर नीचे का सब कुछ कट गया तो आप माइनस मत करिए सीधे कैश फ्लो आएगा और माइनस करेंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा अगर टैक्स नहीं है तो ये हमारे पास सिचुएशन रहेगी बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो सीएफी वाले मिलेंगे तो सिंपल सा तरीका रहेगा पहले सारे खर्चे माइनस करो इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन उसके बाद में आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स लगाइए फिर डेप को ऐड करिए और सी एफ एटी आ जाएगा इसका रोल क्या है इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा अब दूसरी टर्म आएगी कैश फ्लो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैश फ्लो कहता है कि मान लीजिए आज टी जीरो टू डे टी वन टी टू सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कैश फ्लो मान लीजिए यहां पर सौ रुपए है यहां पर दो सौ रुपए है यहां पांच सौ रुपए है यहां तीन सौ रुपए है तो अगर हम नॉर्मल कैश फ्लो की बात करें तो नॉर्मल कैश फ्लो यही है कि भाई हमें सौ रुपए दो सौ रुपए पांच सौ रुपए तीन सौ रुपए मिल रहे हैं अगर हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात करें तो हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो यानी आज की डेट में इस कैश की क्या वैल्यू होगी तो हमें इन सबको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी परसेंटेट हो दस परसेंट बीस परसेंट और इस सारे कैश को आज की डेट में लेकर आएंगे तो वो बोला जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो अब हमारे पास जो टेक्निक है ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है जो हमारे पास टेक्निक है ए आर आर ए आर आर टेक्निक आपकी बुक प्रॉफिट पे बेस्ड है वो कहता है हम बुक प्रॉफिट को मान के चलेंगे यानी ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को उठाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किसी भी टेक्निक हर टेक्निक की इवेल्यूएशन का अपना प्रोसेस है पे बैक पीरियड कैश फ्लो को लेकर चलता है ये कैश फ्लो बेस्ड रहेगा इसके बाद डिस्काउंटेड पे बैक एन पी आई आर आर पी आई ये चारों टेक्निक डिस्काउंटेड कैश फ्लो को लेकर चलेंगी और जो एम आई आर आर है वो कंपाउंडिंग कैश फ्लो को लेके चलेगा कंपाउंडिंग कैश फ्लो यानी फ्यूचर में लेके जाना तो उसमें हम आज के पैसे को फ्यूचर में लेकर जाएंगे ठीक है अब हमारे पास जो टेक्निक्स की बात है सबसे पहले है अकाउंटिंग या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ए आर आर तो ए आर आर का मतलब है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि आंसर परसेंटेज में आएगा ठीक है इसके तीन मेथड रहते हैं पहला मेथड रहता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट को बेसिस ले लीजिए तो इसमें हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं ऊपर पर एनम और टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देते हैं दूसरा रहता है एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस लीजिए यानी एवरेज प्रॉफिट को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके परसेंटेज निकालिए और तीसरा रहता है एनुअल बेसिस निकालो यानी हर साल का बेस लेकर कैलकुलेट करते जाइए तीनों में क्या रहेगा जैसे मान लीजिए आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट दो लाख रुपए है और आपकी जो लाइफ है इस प्रोजेक्ट की वो पांच साल है इसकी जो सेलवेज है वो चालीस हजार रुपए है अब मान लीजिए आपका जो एवरेज प्रॉफिट पर एन आ गया वो एवरेज प्रॉफिट पर एन आपका आ रहा है तीस हजार रुपए तो एआरआर निकालने के तीन तरीके हमारे पास एआरआर वन के एवरेज प्रॉफिट लीजिए डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दीजिए तो तीस हजार का प्रॉफिट दो लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर ये आपके पास आ गया 15% रिटर्न एआरआर की टेक्निक नंबर 2 कहती है कि एवरेज प्रॉफिट लीजिए और डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट भी एवरेज लीजिए तो हमारे पास 30000 का प्रॉफिट और एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2 ओपनिंग इन्वेस्टमेंट में हमारे पास रहेगा जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख रुपए और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट हम सेलवेज को मानते हैं कि सेलवेज हमारी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है चालीस हजार रुपए तो इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए टू फोर्टी डिवाइडी थाउजेंड आ गया तो हमारे पास रिटर्न आ जाएगी थर्टी डिवाइड बाई वन ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट इसके बाद तीसरा आता है ए आर आर थ्री जो एनुअल बेसिस पर निकालता है ए आर आर थ्री कहता है आपसे कि आपको ईयर वाइज निकालना है तो फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तीस हजार का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कितना है दो लाख रुपए तो पहले साल का आ गया पंद्रह परसेंट सेकेंड में फिर से तीस हजार रुपए कमाओगे अब जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हो चुका होगा क्योंकि पहले साल का इस पर लग गया होगा तो लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था चालीस हजार की सेलवेज थी पांच साल की लाइफ है डेप्रीशिएशन निकाल लीजिए तो डेप्रीशियन हमारे पास यहां पर आ जाएगा टू लैक माइनस फोर्टी थाउजेंडिड बाई फाइव थर्टी टू थाउजेंड का डेप आ गया आपका अब हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा लाख का इन्वेस्टमेंट था जिसमें तो यहाँ, यहाँ की परसेंटेज आ जाएगी सेवनटीन पॉइंट एट सिक्स परसेंट अब थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में भी तीस हजार प्रॉफिट आएगा लेकिन दो लाख रुपए में से बत्तीस हजार माइनस बत्तीस हजार

वो कहते हैं एवरेज प्रॉफिट पर एनम लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो एवरेज इन्वेस्टमेंट में एवरेज प्रॉफिट को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करो और एनुअल बेसिस में पहले आप हर साल की रिटर्न निकालो हर साल की रिटर्न कैसे निकलेगी उस साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई उस साल के स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अमाउंट तो शुरू में दो तो लाख था फिर बत्तीस हजार रुपए का डेप लग गया फिर और बत्तीस हजार का डेप लग गया रिड्यूस होता चला जाएगा अब इस इन्वेस्टमेंट के अंदर कई बार पोर्शन वर्किंग कैपिटल भी दे देता है कि वर्किंग कैपिटल जी बीस हजार रुपए हमारी वर्किंग कैपिटल भी है तो अगर वर्किंग कैपिटल साथ में देगा तो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट का आंसर आया है जैसे इन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका दो लाख है उसमें बीस हजार रुपए वर्किंग कैपिटल और जोड़ दो के वो भी इन्वेस्टमेंट है मान लो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ रहा है एक लाख बीस हजार तो उसमें बीस हजार रुपए जोड़ दो तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें आप बीस हजार रुपए और एड कर देंगे ऐसी एनुअल बेसिस पर पहले साल का इन्वेस्टमेंट दो लाख है तो उसमें दो बीस कर दो उसको दूसरे साल का 168 है तो तो में रुपए और जोड़ दो तो वर्किंग कैपिटल सीधे जुड़ जाती है इन्वेस्टमेंट में जाकर अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर एग्जाम के अंदर हमें बताया जाएगा कि हमें ए की कौन सा मेथड लगाना है देखिए आईसीआई को या तो बताना पड़ेगा या फिर उसे तीन सजेस्टेड आंसर देने पड़ेंगे सेफ गेम क्या है सेफ गेम है आज तक जो हमने अनुभव किया है वो हमारा अनुभव ये कहता है कि अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले आपसे तो एवरेज बेसिस पर लेकर आइएगा तो एग्जाम में अगर एआरआर का मेथड साइलेंट हो कि ए किस मेथड से निकालना है तो आप एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट लेकर क्वेश्चन करके आएंगे पूरे नंबर आपको मिलेंगे सजेस्टेड आंसर अगर नहीं मतलब बताता अगर क्वेश्चन कि किस मेथड से निकालना है तो सजेस्टेड आंसर एवरेज इन्वेस्टमेंट से ही एग्जाम में आता है तो अगर बोले इनिशियल इन्वेस्टमेंट से निकालो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से निकाल देंगे अगर साइलेंट रहेगा तो एवरेज इन्वेस्टमेंट से निकाल कर आएंगे ये थी हमारे पास टेक्निक नंबर वन ये बुक प्रॉफिट पे बेस्ड है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचो इसमें CFAT निकालने की कोई जरूरत नहीं होती दूसरी टेक्निक है हमारे पास पे बैक पीरियड इसको हम ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड भी कहते हैं ये ये बताता है कि कैश प्रॉफिट पे बेस्ड है यानी कैश फ्लो पे बेस्ड है तो ये सी एफ ए या फिर कैश फ्लो पर बेस्ड होती है ओके okay. यह टेक्निक कहती है कि कितने दिन में आपका पैसा वापस आ जाएगा बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है इसमें दो सिचुएशन रहती हैं पहली सिचुएशन कि जो आपका कैश फ्लो है वो यूनिफॉर्म है यानी हर साल एक जैसा कैश फ्लो आ रहा है और दूसरा आपका कैश फ्लो अलग अलग आ रहा है तो बड़ा सिंपल सा है मान लीजिए आपका जो कैश फ्लो है वो आ रहा है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दो लाख रुपए ठीक है जी आपके पास हर साल चालीस हजार रुपए आ रहे हैं एनुअल कैश फ्लो आपके पास फोर्टी थाउजेंड है तो बताओ कितने साल में पैसे वापस आ जाएंगे दो लाख का इन्वेस्टमेंट है हर साल चालीस हजार दो लाख का इन्वेस्टमेंट चालीस हजार रुपए हर साल आए पांच साल में पैसा वापस आ जाएगा पे हो गया कि पांच साल में पैसा वापस आ गया अच्छा अगर कैश फ्लो अलग अलग दिए हों जैसे कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दो लाख रुपए और कैश फ्लो दे दिया हमें ईयर वन टू थ्री फोर फाइव पचास हजार साठ हजार चालीस हजार अस्सी हजार तीस हजार तो इस सिचुएशन में हमें जोड़कर देखना पड़ेगा कि कहां पर हमारे दो तो लाख रुपए पूरे हो रहे हैं जोड़ने को बोला जाता है क्यूमलेटिव तो इसे हम कहते हैं क्यूमलेटिव कैश फ्लो हमें निकालना पड़ेगा तो इसके अंदर बड़ा सिंपल सा तरीका रहता है Year कौन सा है लिखते जाइए कैश फ्लो कितना है वो लिख लीजिए पचास हजार आ गए जी दूसरे साल सिक्सटी आ गए दस हजार आ गए जी टोटल फिर चालीस हजार रुपए आ गए और पैसा वापस आ गया जी वन फिफ्टी आ गए हमारे पास फिर अस्सी हजार रुपए आ गए हमारे पास तो दो लाख तीस हजार हो गए जी इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो दो लाख रुपए था तो अब यहां पर आपके पास जो सिचुएशन आई कि तीस आ गया यानी कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में हमारा पे आ जाएगा तीसरे साल तक कितने पैसे आए थे एक लाख पचास हजार तो हम बोलेंगे हमारा पे है तीन साल प्लस हमारे को कितने रुपए और चाहिए पचास हजार की शॉर्टेज रही है वन फिफ्टी आ गए फिफ्टी और चाहिए पचास हजार रुपए चाहिए और फोर्थ ईयर का कलेक्शन कितना है फोर्थ <coughs> ईयर का कलेक्शन है एटी थाउजेंड तो हमारे पास तीन साल तो पूरे लग गए फोर्थ ईयर में अस्सी हजार रुपए आए हैं हमें सिर्फ पचास हजार की जरूरत है तो थ्री पॉइंट सिक्स टू फाइव ईयर में आपका पे बैक पीरियड निकलकर आ जाएगा तो दूसरी टेक्निक के अंदर हमारे पास बड़ा सिंपल अगर यूनिफॉर्म कैश फ्लो है तो पे बैक पीरियड सिंपल इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई एनुअल कैश फ्लो और अगर अनइक्वल है तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालिए और चेक कर लीजिए आपका पे बैक पीरियड कहां पर आ रहा है दो टेक्निक खत्म हो गई हमारी देखिए टोटल सात टेक्निक है पहले आराम से टेक्निक डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चंस चलेंगे क्वेश्चन में जहां पर भी कॉम्प्लीकेसी आएगी वो पूरी पूरी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे ओके कोई भी टेक्निकल पॉइंट आएगा वो मैं आपको बताता रहूंगा जैसे कि एक पे पीरियड के अंदर पॉइंट आता है कि मान लो हमारी फिफ्थ ईयर में यहां पर पे आ रहा होता है एक पॉइंट यहां पर आता है कि मान लो हमारा कैश फ्लो फिफ्थ ईयर में जाकर पूरा हो रहा होता है और हमारा फिफ्थ ईयर में सेलवेज भी आ रहा है सेलवेज तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस सैलवेज को भी कंसीडर करना है कैश फ्लो में तो आंसर इज यस अगर आपका ईयर ईयर का का कैश फ्लो है है और की है, तो हम का कैश फ्लो पचास हजार रुपए मानकर चलेंगे तो अगर आप सैलवेज ईयर तक पहुंच जाओ यानी लास्ट ईयर तक पहुंच जाओ तो कैश फ्लो में आपको सैलवेज को भी कंसिडर करना होगा इसके बाद में हमारे पास इन दोनों टेक्निक के बाद में आता है डिस्काउंटेड पे पीरियड ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और पे बैक पीरियड दोनों एक ही बात कहते हैं और फॉर्म है कि में कितने साल में हमारा पैसा वापस आएगा तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के अंदर हमें सिंपली क्या करना होगा इसमें जैसे मान लीजिए हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है देखो कुछ बच्चों को लगेगा कि सर एग्जाम्पल मत लिखो मैं हर टेक्निक का एग्जाम्पल तो लिखवाऊंगा लिखवाऊंगा ये जरूरी है हाँ जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान लीजिए हमारा है दो लाख रुपए और हमारा कैश फ्लो है ईयर वन टू थ्री फोर एक लाख रुपए अस्सी हजार रुपये नब्बे हजार रुपए और पचास हजार रुपए ठीक है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या डिस्काउंटिंग फैक्टर है टेन परसेंट अब क्वेश्चन कह रहे हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालो डिस्काउंटेड पे पीरियड तो डिस्काउंटेड पेमेंट पूछेगा तो इसमें हम क्या करेंगे ईयर वन टू थ्री फोर यहाँ पर लेंगे कैश फ्लो वन लैख एटी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर टेन परसेंट पर तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया पॉइंट नाइन जीरो नाइन पॉइंट एट टू सिक्स पॉइंट सेवन फाइव वन पॉइंट सिक्स एट थ्री अब हम इससे निकालेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो तो डिस्काउंटेड पेमैक पीरियड डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे बेस्ड है वो कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो की फॉर्म में कितने टाइम में हमारा पैसा रिटर्न आ जाएगा तो ये आ गया हमारे पास 90,900, नाइन हंड्रेड दूसरे साल का आ गया एंड मल्टीप्लाई पॉइंट एट टू सिक्सटी सिक्स जीरो एट जीरो तीसरे साल का गया, 90 751, 6, 7, 590, और फिर आ गया फिफ्टी थाउजेंड पॉइंट सिक्स एट थ्री थर्टी फोर थाउजेंड वन फिफ्टी हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल दिया अब इस कैश फ्लो का काम खत्म अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं इस डिस्काउंटिंग रेट का भी काम खत्म अब हमें सिर्फ ईयर से मतलब है और डिस्काउंटेड कैश फ्लो से मतलब है तो पहले साल में आपके पास कितना डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया उसको क्यूमलेटिव करेंगे क्यूमलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो के नाइन्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड आ गए ओके जी बहुत बढ़िया बात है प्लस दूसरे साल सिक्सटी सिक्स जीरो एट्टी और आ गए तो वन फिफ्टी सिक्स नाइन एट्टी हो गए तीसरे साल में सिक्सटी सेवन फाइव नाइनटी और आ गए टू ट्वेंटी फोर फाइव सेवनटी हो गए अगले की जरूरत ही नहीं है हमें दो लाख रुपए ही वापस चाहिए थे दो लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है तो बताइए हमारा पे बैक पीरियड कहाड आ रहा है सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच में तो सेकेंड ईयर तक वन फिफ्टी सिक्स आ चुके थे तो डिस्काउंटेड पे बैक हमारे पास दो साल पूरे लग गए प्लस अब बताइए कितने रुपए की शॉर्टेज है दो लाख में से वन सिक्स नाइन एटी आ गए कितना कैश फ्लो मिल रहा है में थ्री में? तो पहले दो साल तो पूरे लग गए पहले नाइनटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड आया फिर सिक्सटी सिक्स एटी आया थर्ड ईयर में 67, आ रहा है और हमें फोर्टी थ्री जीरो ट्वेंटी चाहिए तो इसका मतलब आपके पास 2.636 पॉइंट ईयर्स का टाइम लग जाएगा इसमें गलती क्या होती है वो गलती बता देता हूँ इसमें कई बार बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो जब डिनोमिनेटर में कैश फ्लो लेना होता है ना तो वो नब्बे हजार रुपये यहाँ वाला उठा लेते हैं कैश फ्लो वाला ये आपसे क्वेश्चन करते हुए भी गलती हुई होगी ये बहुत ज्यादा गलती होती है कि बच्चा क्या करता है डिनोमिनेटर में कैश फ्लो उठा लेता है तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंटेड पे निकालते हुए एक बार डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकल लिया फिर इस कैश फ्लो का कोई काम नहीं है ये इनरेलीवेंट है पूरा क्वेश्चन इसी डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर होगा ये हमारे पास हो गई टेक्निक नंबर थ्री डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इसमें इक्वल अनईक्वल कैश फ्लो का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें सीधे क्यूलेटिव कैश फ्लो निकालना है डिस्काउंटेड कैश फ्लो और आपका आंसर आ जाएगा इसके बाद में हमारे पास आती है फोर्थ टेक्निक एनपीवी एनपीवी बिल्कुल सिंपल है टेक्निक बहुत आसान है इसके क्वेश्चन घुमाकर होते हैं तो एनपीवी टेक्निक कहती है कि जितना भी कैश इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और जितना भी कैश आउटफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो दोनों को कंपेयर करके बता दो एनपीवी कितना आया तो एनपीवी निकालने के लिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन हमें ईयर वन टू थ्री फोर चार साल का कैश फ्लो दे दिया पचास हजार साठ हजार सत्तर हजार नब्बे हजार और इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दिया कि हमारे दो लाख रुपए लग रहे हैं और डिस्काउंटिंग फैक्टर है हमारा मान लीजिए टेन परसेंट तो क्वेश्चन कहेगा आपको एनपीवी पी भी तो बड़ा सिंपल है आपको ये जितना भी कैश इनफ्लो है इसकी पहले आप डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए पॉइंट नाइन जीरो नाइन फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई नाइन जीरो नाइन या आ गया फोर्टी फाइव फोर फिफ्टी सेकेंड ईयर का हमारे पास है पॉइंट एट टू सिक्स थर्ड ईयर का हमारे पास है पॉइंट सेवन फाइव वन और फिर है सिक्स एट थ्री एक बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि सर तीन डेसिमल तक लेना है या चार पॉइंट तक लेना है कि तीन पॉइंट तक, तक तो लीजिए पूरे नंबर और आंसर में एनपीवी में या डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालने में पचास सौ रुपए का फर्क भी आता है वो अलाउड है बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है एक परसेंट की दूसरा आ गया हमारे पास सिक्सटी थाउजेंड मल्टीप्लाई टू सिक्स फोर्टी नाइन फाइव सिक्सटी तीसरा गया हमारे पास सेवन थाउजेंड मल्टीप्लाई सेवन फाइव वन फिफ्टी टू फाइव और चौथा हमारे पास आ गया नाइनटी थाउजेंड पॉइंट सिक्स एट थ्री सिक्सटी वन फोर सेवेंटी तो हमारे पास ये सारे के सारे कैश इनफ्लो थे इनकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली तो पीवी ऑफ इनफ्लो कैश इनफ्लो हमारे पास आ गया फोर्टी फाइव फोर फाइव जीरो प्लस फोर नाइन फाइव सिक्स जीरो प्लस फाइव टू फाइव सेवन जीरो प्लस सिक्स वन फोर सेवन जीरो टू लेख नाइन थाउजेंड फिफ्टी और आउटफ्लो था दो लाख रुपए तो हमारे पास एनपीवी नाइन थाउजेंड फिफ्टी पॉजिटिव हो गया ओके okay. तो टेक्निक बहुत ही सिंपल है देखने में लेकिन इसी के क्वेश्चन घुमाकर आते हैं तो जो क्वेश्चन करेंगे तो आराम से देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है टेक्निक सिंपल है इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू माइनस आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ठीक है इसी के साथ एनपीवी के साथ एक टेक्निक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसको हम डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं वो इसी टेक्निक का रेशो में आंसर देता है पीआई टेक्निक कहता है पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाई पीवी रेशो बना के बता दो कितना आ रहा है तो इसमें हम सिंपली इनफ्लो हमारे पास और आउटफ्लो था हमारे पास टू लैख ,00 रेशो में बता देंगे कि रेशो कितना है? 2 ,0, ,0, ,0, by 2 हमारे पास पी आई निकल आएगा <coughs> पी आई आए का काम क्या है पीआई बेसिकली एक तो हमारे पास कैपिटल लास्टिंग के क्वेश्चंस में काम आता है दूसरा अगर किसी क्वेश्चन का आंसर एनपीवी से ना आ रहा हो मान लो दो प्रोजेक्ट हैं दोनों का एनपीवी सेम आ रहा है पचास हजार पचास आ रहा है दोनों का तो अगर दो प्रोजेक्ट का एनपीवी सेम आए तो ऐसी सिचुएशन में पीआई से रेशो निकालकर हम आंसर निकाल सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट दोनों में से बेहतर रहेगा बाकी मेन इसका काम आपके सिलेबस में कैपिटल लास्टिंग वाला है अब एनपीवी और पी एक दूसरे से अटैच है इसीलिए एनपीवी और पी का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी हमारे पास रहता है एनपीवी का फॉर्मूला पी से अटैच है पी आई माइनस वन मल्टीप्लाई बाई आउटफ्लो और यहां पर वन प्लस एनपीवी डिवाइडेड बाई पी वी ऑफ आउटफ्लो ये फॉर्मुले भी एडिशनल फॉर्मूले इनका कहीं पे कोई खास काम नहीं पड़ता लेकिन फिर भी पता होने चाहिए कि भाई ये फॉर्मूले भी अप्लाई किए जा सकते हैं अब जैसे हमारे यहाँ पर 1.045 पॉइंट जीरो फोर फाइव पी आई आया इसमें से माइनस वन करो आउटफ्लो था दो लाख रुपए मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट जीरो फोर फाइव मल्टीप्लाई बाई वन लेख इसका आपका एनपीवी पॉइंट जीरो फोर फाइव मल्टीप्लाई बाई टू लैख इसका मतलब आपका एनपीवी नाइन थाउजेंड रहा होगा तो हमारा एनपीवी नाइन थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड नाइन थाउजेंड फिफ्टी की बात हो गई क्योंकि यहां पर के आगे भी से चल रही है और अगर आपको पी आई निकालना है तो वन प्लस एनपीवी था नौ हजार पचास रुपए आउटफ्लो था दो लाख इससे आपके पास नाइन थाउजेंड फिफ्टी डिवाइड बाई टू लैख ये आ जाएगा वन पॉइंट जीरो फोर फाइव टू फाइव तो वन पॉइंट जीरो फोर फाइव ये एडिशनल फॉर्मूले भी हमारे पास रहेंगे इनके अंदर और कुछ कंसेप्ट नहीं है इसके क्वेश्चन बहुत बढ़िया है तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब बात करेंगे तो अभी हम पहुंचे हैं पी तक हम पी तक की ही बात करेंगे अभी पहले तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर पे बैक पीरियड आ रहा होगा ए आर आर आ रहा होगा डिस्काउंटेड पे बैक आ रहा होगा एनपीवी आ रहा होगा उसके बाद में आई आर आर और एम आई आर एक साथ करेंगे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं इसके अब हमारे पास आई आर आर और एम आई आर आर दो क्वेश्चन बचे हुए दो टेक्निक बची हैं उसके अलावा टेक्निक डिस्कस कर ली है अब किसी का अगर कोई पॉइंट है तो बोल दीजिए मैं लाइव चैट को ऑन कर रहा हूं ये दो तीन मिनट तक ऑन रहेगी दो तीन मिनट के बाद हम लाइव चैट को ऑफ कर देंगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे <coughs> एक बात तो ये बताइए कि सब कुछ रिकॉल होने लग गया है या नहीं और अभी क्वेश्चन करने के बाद और भी जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आप लोगों का सब कुछ रिकॉल होने लग गया है या नहीं होने लग गया है कैपिटल को बच्चे हवा बना के चलते हैं पूरे मार्केट में कि कैपिटल बस्टिंग ऐसा है कैपिटल बस्टिंग ऐसा है कैपिटल बस्टिंग बिल्कुल लड्डू चैप्टर है सिर्फ उसकी टेक्निक आराम से समझियो क्लियर है सबको एकदम बिल्कुल ठीक है हम लोग पढ़ते हैं लाइव चैट ऑफ कर रहा हूं मैं अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हम लोग क्वेश्चन बड़े आराम से करेंगे आराम से समझ के अच्छा एक चीज देखिए मैं कोई हवाबाजी में रिविजन नहीं करवा रहा जिस क्वेश्चन का जो भी पॉइंट है एग्जाम्पल लिख के करवा रहा हूं ऐसे टिक टिक करवाने वाला काम नहीं है क्वेश्चन के सारे पॉइंट में बताऊंगा आराम से समझिएगा हमारे पास बहुत लिमिटेड क्वेश्चन हैं सेलेक्टेड वाले पर इनके अंदर सारी एडजस्टमेंट आ जाएंगी जैसे ब्लॉक ऑफ एसेट है वो भी आएगा अगर हमें क्या नाम रिपेयर मेंटेनेंस की एडवांस पेमेंट है वो भी आ जाएगी अनईक्वल लाइफ होगा तो क्या करेंगे वो भी आ जाएगा कैपिटल लास्टिंग भी आ जाएगा आई भी आ जाएगा एम भी आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर तो मैंने ऐसे क्वेश्चन चुने जिनके अंदर सारे पॉइंट आ जाएंगे इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फंसना चाहिए जो मेरे को लगता है अच्छा एक बच्चों का डाउट उसके ऊपर भी आता है एमसीक्यू के ऊपर देखो एमसीक्यू जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो यही क्वेश्चन है जैसे ये क्वेश्चन है इसके अंदर मान लो तीन चार चीजें पूछनी जैसे अभी मान लीजिए इस क्वेश्चन में मेरे को एनपीवी निकालने के लिए बोला है अब उसमें क्या करेगा क्वेश्चन कह देगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का इनफ्लो कितना आया उसके चार ऑप्शन दे देगा फिर बोलेगा प्रेट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना आया उसके चार ऑप्शन दे देगा फिर कह देगा फोर्थ ईयर का सी एफ ए टी कितना आया उसके चार ऑप्शन दे देगा फिर कह देगा एन कितना आया उसके चार ऑप्शन दे देगा तो एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू में आपको दिमाग नहीं लगाना ये न्यूमेरिकल ही एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू है बस उसमें आपको चार चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे आंसर के और जो आपके पास नॉर्मल न्यूमेरिकल है वो सब्जेक्टिव आपको करना ही आता है तो ठीक है जी एक ये बच्चों का बहुत आजकल डाउट है फोर्थ डाउट जिसको बोलते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड कैसे होंगे तो इस तरह से के अंदर आपने देख भी लिया होगा ओके अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट जितने क्वेश्चन में यहां पर करवा रहा हूं कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ आप लोग सभी बच्चे कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए लिखना कुछ नहीं है लेकिन कैलकुलेटर लेकर बैठ जाइए ठीक है बीबीक्यू क्यू फोर्टी फोर बीबी का मतलब है बूस्टर बैच क्वेश्चन अच्छा क्लास खत्म होने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज टाइम स्टैम्प लगा देना कि कौन सा क्वेश्चन और कंसेप्ट कब करवाया था मैं उस टाइम स्टैंप को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा आप जिससे आप जब रिवीजन करेंगे एग्जाम टाइम पे मान लो कोई बीबीक्यू आपका अटक रहा है तो सीधे उस पर क्लिक करो और सीधे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा तो किसी बच्चे पे अगर टाइम हो वो मैनेज कर सकता है मान लो किसी बच्चे का एफ एम एस एम ही बचा है बाकी कुछ नहीं है तो प्लीज टाइम स्टैम्प लगा देना क्लास के बाद कमेंट्स में हाँ जी

ट्वेंटी लैख इक्विपमेंट कॉस्ट विल भी वन फोर्टी लैख तो आपका जो इक्विपमेंट है वो वन फोर्टी लैख का है बीस लाख की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी आपकी जेब से गए वन ट्वेंटी लैख और आपको डेप्रीशिएशन भी इक्विपमेंट के वन ट्वेंटी लैख पर ही मिलेगा ओके एंड एडिशनल इक्वमेंट कॉस्टिंग टेन लैख विल बी नीडेड एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर तो हमारे पास ये जो वन ट्वेंटी लैख का इक्विपमेंट है यह तो टी जीरो पर आ गया 10 लाख का इक्विपमेंट बिगनिंग ऑफ 3rd ईयर लिखा है हमें चाहिए होता है सब कुछ ईयर एंड पे एक साल के बाद कितना होगा दो साल के बाद कितना कैश आया या गया तीसरे साल के बाद कितना कैश आएगा बिगनिंग में लिखा हुआ है तो हम इसको पीछे ले जाएंगे 3rd ईयर का बिगनिंग सेकंड ईयर का एंड माना जाएगा तो हम ये मानेंगे ये T2 पे ट्रांजैक्शन हुई है सेकंड ईयर के एंड में तो ₹10 लाख ये चले गए आपके तो 120 आ गए 10 लाख के चले गए ओके okay. एट दी एंड ऑफ एट ईयर ओरिजिनल इक्विपमेंट विल है सप्लीमेंट्री इक्विपमेंट बी सोल्ड एट वन लैक सप्लीमेंट्री इक्विपमेंट से एक लाख रुपएगी सैलवेज होगी आपके पास एडिशनल इक्विपमेंट की वर्किंग कैपिटल फिफ्टीन लैक विल बी नीडेड वर्किंग कैपिटल का नेचर होता है ये स्टार्टिंग में जाएगी और प्रोजेक्ट के एंड में वापस आ जाएगी ठीक है तो अब हमारे पास ये सीनेरियो हो गया कि इन्वेस्टमेंट कितना कितना होगा

ये डे लगेगा ईयर वन से लेकर ईयर एट तक ये डेप लगेगा थर्ड ईयर से लेकर एट ईयर तक ओके okay. अब इन्होंने कहा जो सेल्स वॉल्यूम है वो आठ साल तक इस तरह से रहेगी ईयर वन में यूनिट वन ट्वेंटी थ्री फोर फिफ्थ ईयर में तीनों साल हर साल थ्री लैख पर एनम जाएगा यूनिट्स बिकेंगी और सिक्स सेवन एट ईयर में टू लैख यूनिट्स आपकी बिकेंगी ओके okay. तो इसमें वन ईयर और सेकेंड ईयर फर्स्ट और सेकेंड ईयर तो आपके अलग हो गए थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर आपका कॉमन हो जाएगा सिक्स ईयर ईयर, सेवन ईयर आपका कॉमन हो जाएगा तो जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसे, के से कर जो आपका है, उसे के से करेंगे जो भी कैश फ्लो आएगा जो आपका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर है उसमें हम डिस्काउंटिंग फैक्टर या इसको कहते हैं क्यूमलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर या इसको कहते हैं फैक्टर हम बोलेंगे कौन से ईयर का थर्ड ईयर

एडवर्टीजमेंट का खर्चा है थर्टी लैख्टीन लैख टेन लैख एंड फोर लैख ईयर वन टू थ्री टू फाइव एंड सिक्स में कंपनी इज सब्जेक्ट टू परसेंट टैक्स रेट ट्वेल्व परसेंट इनका आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यानी डिस्काउंटिंग फैक्टर है एस एल एम से डेप्रीसिएशन लगाना है शुड प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड और नॉट तो सिंपली हमें क्या करना है सबसे पहले हमें सी एफ ए टी बनाना है इसमें यूनिट्स लिख ली हमने सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी एडवर्टीजमेंट माइनस कर दिया कैश फिक्सन पहले साल और दूसरे साल तो सिर्फ पंद्रह लाख रुपए लगेगा लाख लाख रुपए, फिफ्टीन लैख मेन रुपए का और वन पॉइंट फाइव लाख एडिशनल इक्विपमेंट का तो सिक्सटीन फिफ्टी सिक्सटीन फिफ्टी लगने आगे की ईयर में एक जो बच्चे के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है और वो सोचता रहता है वो गलती करता है वो क्या करता है हमें यहाँ पर ईयर वन और टू ले लिया तो बच्चा थ्री टू फाइव ईयर में कहता है कि सर तीन लाख यूनिट है हर साल तो नौ लाख यूनिट लिखो खर्चा नौ लाख यूनिट का लो रिवेन्यू नौ लाख यूनिट का लो ऐसा नहीं होगा आपको ध्यान रखना है कि जो कैश फ्लो है वो एक ही साल का लेना है बस इस कैश फ्लो की जो मल्टीप्लाई है वो सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर से होगी यानी कि कैश फ्लो वन ईयर का रहेगा हमेशा थर्ड ईयर का फोर्थ ईयर का फिफ्थ ईयर का तीनों का सेम है तो एक ही साल का लेना है जब लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड कर देंगे तो डिस्काउंटिंग फैक्टर ऐड होता है कैश फ्लो एक ही साल का रहेगा इसके बाद में हमारे पास सिक्स सेवन थर्थ ईयर का आ गया ठीक है जी डेप्रीशिएशन मेन इक्विपमेंट का फिफ्टीन दूसरे का वन फिफ्टी अब हमारे पास हमने जैसे सी एफ ए निकाला तो एक पॉइंट आता है कि क्वेश्चन में कई बार लॉस आ जाता है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में आ गया अब मान लीजिए एग्जाम में लिखा हुआ आया इसी क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अगर यह लाइन लिखी हुई होगी बिल्कुल यही लाइन होगी जो मैंने लिखवाई है अगर लिखा हो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो हम इस नुकसान को सेट ऑफ कर देंगे और हम यहां मानेंगे कि नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं छह लाख पचास हजार की टैक्स सेविंग हो जाएगी तो टैक्स सेविंग हो जाएगी क्योंकि हम दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर देंगे इसको हमारे तो और बिजनेस ही चल रहे हैं प्रॉफिट में लेकिन अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई तो हम हमेशा कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इस साल तेरह लाख का लॉस हुआ टैक्स जीरो ना देना है ना लेना है आगे बढ़ गए सेकेंड ईयर में छब्बीस लाख का प्रॉफिट हुआ है तो छब्बीस लाख का प्रॉफिट है पहले फर्स्ट ईयर का जो लॉस था वो सेट ऑफ होगा तेरह लाख का लॉस सेट ऑफ हुआ बचे तेरह लाख रुपए

थर्ड ईयर में सी एफ ए माइनस एडिशनल इक्विपमेंट आपने खरीदा है वो आ गया फिर थ्री टू फाइव में सी एफ ए सिक्स टू एट में सी एफ ए टी पर सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे दोनों जगह पर लास्ट ईयर में क्या होगा वर्किंग कैपिटल और मेन इक्विपमेंट की सेलफेज आ गई एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट वरना रिजेक्टेड बीबी क्यू फोर्टी फोर खत्म बीबी क्यू फोर्टी फाइव ये बीवी क्यू फोर्टी फाइव क्वेश्चन बहुत छोटा सा है पर एग्जामिनर का पता नहीं क्यों फेवरेट क्वेश्चन है तो ये खूब पूछा जाता है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है नव जीवनी हॉस्पिटल इज कंसीडरिंग टू परचेज अ मशीन फॉर मेडिकल प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी विच इज प्राइस दो लाख रुपए का ये कोई इक्विपमेंट खरीदने की सोच रहे हैं प्रोजेक्टेड लाइफ इसकी एट है एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू एटीन थाउजेंड है आठवें साल पर एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है अब यहां लिखा है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर हमारी जो खर्चे हैं वेरिएबल कॉस्ट फिक्स आ जाती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट में डेप्रीशियशन भी आता है अब यहां पर आपको चेक करना होगा हमेशा कि क्या इसमें डेप्रीशियशन इंक्लूडेड है या नहीं है उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है आप चेक करिए डेप्रीशिएशन कितना है दो लाख रुपए का इक्विपमेंट अट्ठारह हजार में बिकेगा आठ साल की लाइफ है तो दो लाख का इक्विपमेंट अट्ठारह हजार में सैलवेज आठ साल की लाइफ डेप्रीशिएशन है बाईस हजार सात सौ पचास और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट से छोटी है तो इट मींस डेप्रीशियेशन उसके अंदर इंक्लूड हो ही नहीं सकता तो यानी कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट बेसिकली कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट है अच्छा अगर यहीं पे खर्चा तीस हजार रुपए होता मान लो ऑपरेटिंग कॉस्ट तीस हजार होती तो ये तो डेप्रीशियशन है ट्वेंटी टू सेवन फिफ्टी तो मैं ये मान लेता कि इसके अंदर डेप्रीशियेशन इंक्लूडेड है तो अगर आपकी जो भी डेप्रीशियशन आ रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट उसके बराबर या उससे कम है तो हम ये मानेंगे कि उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है यह अभी नोट्स एक इंपॉर्टेंट नोट्स डाले हुए हैं मैंने जो ऊपर कंसेप्ट है ना हमारे पास यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट लिखे हुए इन स्पेशल पॉइंट में मैंने ये सारे पॉइंट लिख दिए जो जो आपको एग्जाम में परेशान करने वाले हैं जब कंसेप्ट बिल्कुल लास्ट में पहुंचेंगे तो दिखाऊंगा अभी तो हमारा ट्वेंटी टू सेवन फिफ्टी का डेप्रिशिए इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो हमें अलग से लेना पड़ेगा ठीक है जी इसके बाद कह रहे हैं हमारा जो रिवेन्यू है वो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड पर एन होगा आठ साल तक हॉस्पिटल इज करंटली आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग का मतलब होता है हम काम को बाहर दे रहे हैं करंटली आउटसोर्सिंग द रेडियोग्राफी वर्क टू इट्स नेबर टेस्ट सेंटर एंड अर्निंग कमीशन इनकम थर्टी सिक्स थाउजेंड पर एन एम नेट ऑफ टैक्सेज नेट ऑफ टैक्सेज का मतलब ये आफ्टर टैक्स इनकम है तो आपके पास थर्टी सिक्स थाउजेंड की आफ्टर टैक्स इनकम आ रही है अगर आप अपनी खुद की मशीन लगा दोगे तो ये कमीशन आना बंद हो जाएगा टैक्स का रेट थर्टी परसेंट है अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या हमें मशीन खरीदनी चाहिए यानी एन पी और पीआई से बताओ ठीक है नहीं। इन्होंने डिस्काउंटिंग रेट खुद ही बता दिया आपको आठ साल के अब हमारे पास देखिए सी एफ ए वन ट्वेंटी की सेल होगी ऑपरेटिंग कॉस्ट ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड है डेप्रीशिएशन ट्वेंटी टू सेवन फिफ्टी है टैक्स माइनस किया सी एफ ए टी पी ए टी आ गया आपका डेप्रीशिएशन को एडबैक कर दिया सी एफ ए आ गया सी एफ ए आने के बाद में जो आपकी कमीशन इनकम थी आपको वो माइनस करनी पड़ेगी ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये जो ऊपर दिया हुआ है कि कमीशन इनकम आफ्टर आफ्टर टैक्स 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 है है नेट ऑफ तो हमने इसको माइनस किया है अगर इसी जगह लिख दे बिफोर टैक्स है अगर बिफोर टैक्स होती तो हम इसको ऊपर सेल में से ही माइनस कर देते कि हमारी इतना कमीशन का नुकसान हो रहा है तो अगर बिफोर टैक्स है तो टैक्स से पहले माइनस होगा

फिर इसका पीआई निकाल दीजिए पीआई आई वन से ऊपर है तो यस तो दोनों से ये जीत गया तो एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन बीबी क्यू फोर्टी सिक्स ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है रिसेंट आरटीपी का क्वेश्चन है और उसके बाद न्यू स्टडी मैट के अंदर भी ये क्वेश्चन एडेड हुआ है पढ़ते हैं अ केमिकल कंपनी प्रेजेंटली पेइंग एन आउटसाइड फर्म रुपी वन पर गैलन टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट ये अभी क्या कर रहे हैं इनकी कंपनी में कुछ वेस्टेज है तो पर गैलन का एक रुपया दे रहे हैं उसको उठवाने का ठीक है

खर्चा रिसर्च या सर्वे पे करते हैं तो उसे हम संक कॉस्ट मानते हैं संक कॉस्ट का मतलब है कि ये पैसा आप खर्च कर चुके हो ये डूब गया तो रिसर्च करने में सर्वे करने में जो भी पैसा लगता है वो संक कॉस्ट में चला जाता है इसे पास्ट कॉस्ट बोलते हैं हम संक का मतलब होता है डूब जाना तो ये कैपिटल बस्टिंग में कंसिडर नहीं होता तो किसी भी रिसर्च का खर्चा या सर्वे का खर्चा आएगा तो वो हम माइनस कर देंगे ठीक है जी तो कंपनी ने रिसर्च किया और उसको पता चला वेस्ट कुड बी सोल्ड फॉर रुपीज टेन पर गैलन तो ये संक कॉस्ट हमारी इग्नोर हो जाएगी पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं आएगी टेन रुपीज पर गैलन इफ इट वॉज प्रोसेस एडिशनल प्रोसेसिंग वु हाउवर रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्स लैक न्यू इक्विपमेंट वुड हैव एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ विद नो सेलवेज तो कह रहे हैं छह लाख रुपए का इक्विपमेंट खरीदो और दस साल तक चलेगा डेप्रिशन स्ट्रेट लाइन मेथड से और फिर हम इसको फर्दर प्रोसेस करके दस रुपए के हिसाब से बेच सकते हैं फिफ्टी थाउजेंडो दस रुपए के हिसाब से बिक जाएगा एक्सपेक्ट फॉर कॉस्ट इनकर्ड एक्सेप्ट फॉर कॉस्ट इनकर्ड पर फॉर एडवर्टीज एडवर्टीज में बीस हजार रुपए नो चेंज इन सेल प्राइस एडमिन एक्सपेंसिड एक्सपेक्टेड इफ द न्यू प्रोडक्ट इज सोल्ड द डिटेल ऑफ एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट आर हाउ एवर एज वेरिएबल पांच रुपए पर गैलन कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट थर्टी थाउजेंड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इसने खुद बता दिया

तो पचास हजार रुपए का आपको फायदा और हो गया जो डिस्पोजेबल में आपका खर्चा होता था वो अब नहीं होगा तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी इनकम बन गई एक का। तो पांच लाख रूपये पचास हजार का खर्चा होना बंद हो गया फाइव फिफ्टी का फायदा हो गया अब वो खर्चा वेरिएबल खर्चा फिक्स खर्चा एडवर्टीजमेंट का खर्चा और डेप्रीशियन माइनस किया टैक्स लगाया को जोड़ा सी एफ एटी आ गया अब आ जाइए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है छह लाख रुपए हर साल कितने आएंगे एनपीवी पॉजिटिव है तो डिसीजन यस yes. हमें इस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए बीबीक्यू क्यू फोर्टी सेवन ये स्टडी मैट में नया क्वेश्चन हुआ है, है बिल्कुल और नया क्वेश्चन एकदम खटेक से आ सकता है कभी भी देखेगा मनोरंजन लिमिटेड इज ए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल हैविंग इट्स ब्रॉडकास्टिंग सेंटर इन मुंबई देयर आर टोटल 200 एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट ज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉ बी एम्प्लॉई प्रीफर टी ऑल थ्री टाइम्स तो एक सौ बीस एम्प्लॉय तीन टाइम चाय पीते हैं ओके टोटल दो सौ एम्प्लॉय फोर्टी एम्प्लॉय प्रीफर कॉफी ऑल थ्री टाइम्स हमारे पास फोर्टी हैं जो तीन टाइम कॉफी पीते हैं एंड रिमेनिंग प्रीफर टी ओनली वंस इन अ डे और बाकी के बचे हुए बचे कितने दो में से चालीस एम्प्लॉय वो टी पीते हैं दिन में एक ही बार पीते हैं तो हमारी डेली की चाय कितनी हो गई 360 और 40 400 चाय डेली कंज्यूम हो रही है और 120 कॉफी डेली कंज्यूम हो रही है ठीक है थर्ड पार्टी चार्ज टेन रुपीज फॉर टी एंडीन रुपीज फॉर कॉफी द कंपनी वर्स टू हंड्रेड डेज इन ठीक है दो सौ दिन चालीस एम्प्लॉज एक बार चाय पीते हैं दो सौ दिन ठीक है और आपके पास चालीस एम्प्लॉय तीन बार दो सो दिन कॉफी पीते हैं ये हमारे पास टी और कॉफी का अभी का एग्जिस्टिंग है तो अभी आपके पास एक सौ बीस इंटू थ्री इंटू टू हंड्रेड और फोर्टी इंटू वन इंटू टू हंड्रेड आठ हजार तो आपके पास हो गई सॉरी बहत्तर हजार तो आपके पास चाय जा रही है आज की डेट में और फोर्टी इंटू थ्री इंटू टू हंड्रेड आपके पास चौबीस हजार आज की डेट में कॉफ़ी जा रही है जो आपका आज की डेट में चल रहा है तो ये हमारे पास इस पर आपके दस रुपये और इस पर आपके पंद्रह खर्च होते हैं तो आप सेवेंटी टू थाउजेंड पर दस रुपये सात लाख बीस हजार और चौबीस हजार पर पंद्रह रुपये तीन लाख साठ हजार ये आपके पास एग्जिस्टिंग जो चार्जेज हैं वो सेव हो जाएंगे यहाँ पर सेविंग इन एग्जिस्टिंग टी एंड कॉफी ये आपके पास यहाँ पर सेविंग हो जाएगी ठीक है जी तो ये चाय और कॉफी अभी पी जा रही है वो सेव होने लगेगी ये अपनी कॉफी मशीन लगवाने वाले हैं ठीक है अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम क्या करने वाले हैं ये इतने सारे लोग चाय कॉफी पी रहे हैं लुकिंग एट द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन टी एंड कॉफी फाइनेंस डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट एंड इंस्टॉलेन ऑफ अ मास्टर टी कॉफी बटन दबा के कॉफी और चाय निकल जाती है हम वैसी मशीन लगाने की सोचें विच, विच विल कॉस्ट टेन लैक यूजफुलस अपॉन परचेजिंग द मशीन द कंपनी तो हर साल पिछहत्तर हजार रुपए आपके में, मेंटेनेंस के जाएंगे

शुगर पचास रुपए किलो है मिल्क पचास रुपए लीटर है पेपर कप बीस पैसे का आएगा तो आपको ये सारी चीजें चाहिए चाय और कॉफी के लिए ईच पैकेट ऑफ कॉफी बीन वुड प्रोड्यूस टू हंड्रेड कप ऑफ कॉफी तो ये जो आपके पास नब्बे रुपए का एक पैकेट है इसमें दो सौ कप कॉफी बन जाती है सेम गोज फॉर टी पाउडर ये जो सत्तर रुपए का चाय का पैकेट है इसमें दो सौ कप चाय के बन जाते हैं ठीक है ईच कप ऑफ टी एंड कॉफी टेन ग्राम शुगर चाहिए तो पचास रुपए पर के जी दस ग्राम सुगर एक कॉफी में लगेगी ऑन एंड एवरेज हंड्रेड अच्छा है और आने के चांस इसलिए है, दस नंबर में आएगा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको ये सारी। तो कॉस्टिंग टच है इसमें कहीं ना कहीं द कंपनी एंटीसिपेट दैट ड्यू टू रेडी एवेलेबल टी कॉफी थ्रू वेंडिंग मशीन इट एम्प्लॉइज वुड एंडिंग अप्यूमिंग मोर टी एंड कॉफी अब क्योंकि मशीन वहीं पर लगी हुई है इसलिए जो हमारे एम्प्लॉज हैं वो ज्यादा चाय कॉफी पी रहे हैं मतलब गए बटन दबाया चाय पी थोड़ी देर बाद है, फिर बटन दबाया फिर चाय पी कंजन बढ़ गई है दैट विल इंक्रीज फॉर ऑल क्लास ऑफ परसेंट हमारी कंजन बढ़ने वाली है द पेपर कप कंजम्पन विल बी टेन परसेंट मोर देन एक्चुअल कप ड्यू टू लीकेज लीकेज की वजह से हमारे दस परसेंट कप हमें एक्स्ट्रा खरीदने पड़ेंगे तो बीस परसेंट तो कंजम्शन बढ़ने वाली है आ जाइए जरा यहां पर देखिए जितने भी बंदे थे इनकी कैलकुलेशन करके इन्होंने कर दिया 1.2 1.2 करने का मतलब है 20% कंजम्पशन बढ़ रही है अब हमारी जो अब कंजम्पशन आने वाली है वो आने वाली है 96000 हमारी चाय बिकेंगी मतलब सॉरी पी जाएंगी और 28800 कॉफी पी जाएंगी अब इसके लिए कितने पैकेट लगेंगे कॉफी के तो 28200 कप कॉफी बनानी है एक पैकेट से 200 कप कॉफी बनती है तो पैकेट आपको लेने पड़ेंगे कॉफी के एक किलो का एक पैकेट है ऐसी चाय के कितने पैकेट लेने पड़ेंगे नाइनटी सिक्स थाउजेंड कप चाय बनानी है एक पैकेट में दो सौ कप चाय बनती है चार सौ अस्सी पैकेट आपके कॉफी चाय के लगने वाले सुगर लगने वाले हैं शुगर कितनी वाली है चाय प्लस कॉफी दोनों जोड़ दिए हमने दस ग्राम शुगर लगती है एक किलो शुगर के पैसे दिए तो एक हजार ग्राम से डिवाइड कर दिया तो वन टू फोर एट किलोग्राम हमारे पास शुगर लगेगी ऐसी दूध सो वाले वन थाउजेंड एम एल से डिवाइड कर दिया वन थाउजेंड एमएल से डिवाइड करके लीटर में आंसर आ जाएगा तो ट्वेल्व फोर एटी लीटर हमारे पास लगेगा। पेपर कप कितने लगेंगे जितनी भी कंजम्पशन होनी है उसमें दस परसेंट जोड़ दो या 1 .1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 137 हमारे कप भी कंज्यूम हो जाएंगे अब जरा देखिए हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेविंग कितनी हुई ग्यारह लाख साठ हजार चाय कॉफी बाजार से मंगवानी बंद कर दी खर्चा क्या हुआ एएमसी जाएगी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी अब कॉफी के 144 पैकेट चाय के 480 पैकेट शुगर के 1248 पैकेट दूध के बारह चार लीटर लगेगा नब्बे सत्तर रुपए पचास रुपए पचास रुपए का रेट यहां पर दिया हुआ था नब्बे सत्तर पचास पचास पेपर कप 20 पैसे का है 20 पैसे के लगेंगे ये सारे माइनस कर दिए सब वेरिएबल कॉस्ट है माइनस कॉस्ट टैक्स माइनस किया डेप्रीशिएशन जोड़ा सी आ गया अब हम निकालेंगे कि हमारा एनपीवी कितना आ रहा है तो हमारे पास दस लाख रुपए लगे टू थर्टी नाइन का फायदा एक साल से पांच साल तक नेगेटिव आ गया तो रिजेक्ट तो हम अपनी मशीन नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन हमारे लिए बेकार है बीबीक्यू क्यू फोर्टी एट यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम में फाइव टू टेन मार्क्स में आ सकता है आई डोंट नो पांच नंबर में आएगा गए दस नंबर में भी पूछा नहीं गया है पर स्टडी मैट का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कभी भी पूछा जाना चाहिए इसके अंदर इन्होंने तीन ऑप्शन दिए हैं कि हमारे पास तीन ऑप्शन है उन तीनों ऑप्शन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो दे दिया तो मैं यहां पर एनपीवी लिख रहा हूं फ्यूचर कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो कितना है प्रेजेंट वैल्यू दे दी उसकी और इन्वेस्टमेंट दे दिया तो पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो हमारे पास एनपीवी इसका नब्बे हजार इसका आ गया सत्तर हजार और इसका आ गया वन लेख थर्टी थाउजेंड ये तीनों प्रोजेक्ट का एनपीवी है अब क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन अलग अलग कहानी सुना रहा है तो सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट वन टू थ्री का निकाल प्रोजेक्ट 1, 2, 3, इनका यहां पर आ गया ठीक है अब क्वेश्चन की कहानी देखिए कह रहे हैं अगर हम प्रोजेक्ट 1 और 2 को एक साथ देयर विल बी नो इकोनॉमीज द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड प्रेजेंट वैल्यू विल सिंपली सम द पार्ट तो इसमें हमें कोई फायदा नहीं होने वाला जैसा है वैसे ही रहेगा तो अगर एक और दो को लोगे तो इन दोनों का इन्वेस्टमेंट जुड़कर आ जाएगा थ्री फिफ्टीन इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू जुड़कर आ जाएगी 475 इन दोनों का एनपीवी जुड़ जाएगा 160 हो गया ठीक है जी ये हमारे पास दोनों जुड़कर आ गए तो वन एंड टू हमारे पास इस तरह से आ जाएगा फिर बोले प्रोजेक्ट वन और थ्री को लोके देन इकोनॉमीज आर पॉसिबल इन इन्वेस्टमेंट बिकॉज वन ऑफ द मशीन एक्वायर्ड कैन बी यूज बोथ प्रोडक्शन द टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फोर लैक फोर्टी थाउजेंड तो अगर आप वन और थ्री को लोगे तो इन्वेस्टमेंट फोर फोर्टी का होगा तो 1 3 को लिया तो इन्वेस्टमेंट हो गया फोर फोर्टी का और आपके पास वन और 3, दोनों को जोड़ दीजिए ये हो गया, तो गया, गया आपसे अगर टू और 3 को एक साथ देयर आर इकोनॉमी टू बी अचीव इन मार्केटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट बट नॉट इन इन्वेस्टमेंट द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो टू एंड थ्री इज सिक्स ट्वेंटी कह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो सिक्स ट्वेंटी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो टू और थ्री को लिया तो ये तो सिक्स ट्वेंटी आ गया बाकी टू और थ्री का इन्वेस्टमेंट जोड़कर देख लीजिए कितना आ रहा है ये हो ये हो गया गया इनके पास एनपीवी निकल कर आ तो इन्होंने पहले प्रोजेक्ट वन टू थ्री सेपरेट लिए फिर वन ऑट टू का कॉम्बो फिर वन ऑट थ्री कॉम्बो फिर टू और थ्री का कॉम्बो ले लिया ठीक है अब कह रहे हैं तीनों को जोड़ते हैं इफ ऑल थ्री प्रोजेक्ट आर अंडर टेकन इकोनॉमी नोटेड होल्ड नोटेड का मतलब है है जो ऊपर बताई वो यानी कि थ्री का इनफ्लो सिक्स ट्वेंटी था टू और इनफ्लो सिक्स ट्वेंटी था इसमें प्रोजेक्ट वन का, का और जोड़ लेंगे तो प्रोजेक्ट वन का इनफ्लो है आपके पास टू नाइनटी जुड़ गया इसमें और इसका आउटपुट है सेकेंड का 115, 1 इसमें जुड़ तो जोड़कर हमें बताया था कि कितना है जोड़कर और और जोड़ बताया था कि इनफ्लो कितना है उसमें वन का इनफ्लो जोड़ दो इस लाइन का मतलब इकोनॉमी नोटेड विल स्टिल होल्ड यानी जो हमने इकोनॉमी बताई है जो फायदे बताए हैं वो रहेंगे तो हमारे पास जो फायदे थे वो हमने लिख लिए भाई सिक्स ट्वेंटी और टू नाइनटी ये हमारे पास इनफ्लो फोर फोर्टी और वन फिफ्टीन हमारे पास आउटफ्लो आ गया कह रहे हैं हाउ एवर वन ट्वेंटी फाइव एक्सटेंशन ऑन द प्लांट विल बी नेसेसरी एज प्लेस इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल थ्री प्रोजेक्ट कह रहे हैं तीनों के लिए स्पेस नहीं है इसलिए एक लाख पच्चीस हजार रुपये और खर्च होंगे तो जो हमारा आउटफ्लो है उसमें एक लाख पच्चीस हजार रुपये हमें और जोड़ने पड़ेंगे तो हमारे पास इनफ्लो आ गया सिक्स ट्वेंटी एंड टू नाइन्टी नाइन लैख टेन थाउजेंड और आउटफ्लो हो गया फोर लैख फोर्टी वन और थ्री का सेकंड का है 115, और एक लाख पच्चीस हजार रुपए और खर्च होंगे तो सिक्स लैख एटी थाउजेंड यहां पर आ गया यहां मैंने वर्किंग भी दे दी इसकी इसका इतना आ गया अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है तो जिसका एनपीबी सबसे ज्यादा आ रहा होगा उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो एनपीवी सबसे ज्यादा आ रहा है टू तो आपको वन एंड थ्री एक साथ लेने चाहिए तो वन एंड थ्री को लेना समझदारी रहेगी ठीक है जी बीबीक्यू फोर्टी नाइन बीबी फोर्टी नाइन है अगर कोई एडवांस पेमेंट होती है तो एक क्वेश्चन बहुत फेमस चल रहा है कि रिपेयर तो क्या होगा तो एडवांस पेमेंट के मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर इट वांट्स टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लगाना चाहते हैं वाइल्ड मेकिंग कंप्यूटर्स द एस्टिमेटेड एनुअल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गिवन बिलो

आई लगाने से कह रहे हैं द परचेज प्राइस ऑफ द सिस्टम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए आई इज परचेज प्राइस प्राइस कितना है इंस्टॉलेशन एक लाख रुपए है तो परचेज प्राइस बीस लाख ही रहेगा तो एटी परसेंट ऑफ परचेज प्राइस यानी बीस लाख का एट्टी परसेंट हो गया सोलह लाख रुपए देना पड़ेगा एंड रिमेनिंग बी पेड नेक्स्ट ईयर बचे हुए चार लाख रुपए नेक्स्ट ईयर देने पड़ेंगे पर. और जो इंस्टॉलेशन है उसके बारे में कुछ नहीं बोला तो इंस्टॉलेशन तो करवाते टाइम पे ही देना पड़ेगा टी जीरो पर तो सोलह लाख रुपए जो आपके इक्विपमेंट के हैं मतलब ए आई के एक लाख रुपए इंस्टॉलेशन के वो जाएंगे और चार लाख रुपए एक साल के बाद जाएंगे ठीक है ये आउटफ्लो बता दिया इतना होगा द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ सिस्टम फाइव ईयर It will be on SLM. अब जो कॉस्ट हो होती है उसमें एसेट का प्लस दोनों जुड़े जाते हैं तो डिवाइड बाई फाइव लैख तो इक्कीस लाख की एसेट पांच साल चलेगी फोर पॉइंट टू लैख पर एन एम का डेप्रीशिएशन हो गया ठीक है ऑपरेशन ऑफ न्यू सिस्टम रिक्वायर्ड टू कंप्यूटर स्पेशलिस्ट विद एनुअल सैलरी ऑफ फाइव लैख पर पर्सन

डिस्काउंटिंग रेट 15 परसेंट है तो 15 परसेंट यहां पर आगे इससे ठीक है तो सबसे पहले हमें CFAT और ये एडवांस का हम क्या करेंगे वो बताता एडवांस के केस में दो चीजें चेक करनी होती हैं पहली चीज टैक्स है या टैक्स नहीं है मैं दोनों चीज सिखा रहा हूँ सेम क्वेश्चन के अंदर अब जरा देखिए सबसे पहले हमने सेविंग ले ली रिडक्शन ये सब सैलरी माइनस कर दी और डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया अब जरा देखिए अगर क्वेश्चन में टैक्स है तो इनकम टैक्स कहता है इनकम टैक्स एक्रूअल बेसिस पर लगेगा तो हम कैपिटल में इनकम निकालेंगे पहले तो इनकम में हम क्या करेंगे जो मेंटेनेंस है टू लैख वन एन ऐसे ही माइनस होगी बिल्कुल ठीक है उसके बाद में हमारे पास टैक्स माइनस हो गया पीएटी एटी आ गया अब देखिए एक तो डेप्रिशिएशन का इफेक्ट हटाने के लिए जोड़ा है दूसरा मेंटेनेंस आपने एक्रूअल बेसिस पर ली थी ये एक्रूअल बेसिस पर ली थी इनकम टैक्स के हिसाब से तो खर्चा बेसिस पे माइनस होना चाहिए तो हमने एक्रूअल बेसिस पे माइनस किया फिर एडबैक करके उसका इफेक्ट हटा दिया ठीक है अब मुझे बताइए मेंटेनेंस कॉस्ट जानी कैसे थी पेबल इन एडवांस एक साल पहले अब हम क्या करेंगे जो एक्चुअल कैश में पेमेंट है वो कैसे होगी सेकंड ईयर की मेंटेनेंस फर्स्ट ईयर में थर्ड ईयर की सेकंड में फोर्थ ईयर की थर्ड में और फिफ्थ ईयर की फोर्थ में पे होगी और फर्स्ट ईयर वाली टी जीरो पर पे होगी तो अब हमें यहां पर एक्चुअल कैश पेमेंट दिखानी है तो वन एटी यहां वाली यहां पर ये यह वाली यहां पर ये यह वाली यहां पर ये यह वाली यहां पर फिफ्थ यह ईयर यह में कुछ भी कैश में नहीं गया तो अगर इनकम टैक्स है तो आपको क्या करना है बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है एक मिनट एक मिनट वन मिनट वन मिनटरेट रिकमेंडेड ठीक जा रही है एक मिनट आवाज ठीक आ रही है नहीं वन मिनट वन मिनट हम्म 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 तुमसे हो गया है हेलो हलो हेलो एक मिनट एक मिनट ठीक है हाँ जी देखिएगा हमारे पास अब अगर एडवांस पेमेंट होती है तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि क्या करना है पहले अगर इनकम टैक्स हो तो अगर टैक्स है तो क्या करेंगे पहले बेसिस पर माइनस कर दो फिर टैक्स के बाद में इस एक्रूअल बेसिस पर प्लस करके वापस खत्म कर दो तो पहले माइनस कर दो फिर ऐड करके इफेक्ट हटा दो फिर कैश बेसिस पर माइनस करके दिखा दो तो पहले एक उसको बैक करिए और फिर कैश बेसिस पर माइनस करिए तो पहले हमने बेसिस पे माइनस करके दिखा अगर इनकम टैक्स तो नहीं होता ये टैक्स अगर नहीं होता तो ना तो डेप्रिशिएशन दिखाने की जरूरत है कैश फ्लो के लिए क्योंकि डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है और दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट आप कैश बेसिस पर लेते यहीं पर यानी कि इसको ऐसे नहीं बल्कि ये वाली अमाउंट माइनस होती तो अगर आपके पास बार बार इसमें लोअर बोल रहा है मिनट में लाइव चैट चलो बात खत्म कर दो फिर हाँ जी अगर आपके पास इनकम टैक्स नहीं है तो कैश बेसिस पे माइनस करिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर इनकम टैक्स है तो पहले एक्रोल बेसिस पे माइनस करिए फिर उसको बैक करिए टैक्स के बाद और फिर कैश बेसिस पे माइनस करके दिखाइए अब हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगा वो कैसा दिखेगा पहले इनिशियल आउटफ्लो ले लिया सोलह लाख रुपए गए इंस्टॉलेशन के एक लाख रुपए गए और ईयर वन में परचेज कॉस्ट के ट्वेंटी हमारा आउटफ्लो आ गया कि भाई इतना हमारा इन्वेस्टमेंट है तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट था पूरा ये आउटफ्लो में आ गया टी जीरो पर टी जीरो पर टी वन पर इनकी प्रेजेंट वैल्यू पेडेंटी पीवीएफ आउटफ्लो अब हमारे पास पीवीएफ इनफ्लो निकालना है तो फर्स्ट ईयर का सी एफ ए टी सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर का फोर्थ ईयर का सी एफ ए टी हमारे पास आ गया जिसमें हमने मेंटेनेंस कॉस्ट को माइनस करके दिखा दिया है 180 वाली यहां 160 वाली यहां 140 वाली यहां वन वाली यहां और ये जो 2 लाख की मेंटेनेंस है ये कहां माइनस होगी टी जीरो पर तो मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो ईयर पर दिखा दी कि भाई ये फर्स्ट ईयर में इसकी भी पेमेंट होनी है दो लाख रुपए तो यहां पर हमारे सी एफ ए सेफ है लेकिन ये दो लाख रुपए यहां पर दिखाने ये आ गया पीवी ऑफ इनफ्लो अब पीवी ऑफ इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करिए एनपीवी आ जाएगा और पी आई निकालना है तो पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाई पीवी ऑफ आउटफ्लो ले लीजिए निकल कर आ जाएगा तो ये था कि अगर कोई खर्चा एडवांस में होता है तो उसको कैसे दिखाया जाएगा बड़ा सिंपल अगर टैक्स नहीं है तो जब पे हो रहा है तब माइनस करो अगर टैक्स है तो पहले एक्ल से माइनस करो फिर एक रोअल से एडबैक करके इफेक्ट हटाओ और फिर कैश बेसिस पर उसको माइनस कर दीजिए ये हमारी जितनी टेक्निक अभी तक हमने पढ़ी थी और जो कंसेप्ट पढ़ा था उसका काम यहां तक हो चुका है यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो बोल दीजिए कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब हम आगे दूसरे कंसेप्ट बढ़ने वाले हैं मुझे एक बात बताइए सारे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं या नहीं होते जा रहे हैं बिल्कुल सारी चीजें रिकॉल होती जा रही हैं नहीं होती जा रही हैं एक बच्चे ने आउटफ्लो पूछा है वो बता दूंगा मैं भी हाँ जी एक बच्चा कह रहा है कि हम वर्किंग कैपिटल को एड बैक क्यों करते हैं बेटा शुरू में पैसा जाता है आपका वर्किंग कैपिटल में स्टॉक में बाकी चीजों में तो हमारी जेब से गया लास्ट में वो सारा पैसा वापस आ जाता है जैसे स्टॉक है बेच के पैसा आ गया डेटर है उससे पैसा वापस आ गया आउटफ्लो के अंदर आपको ध्यान रखना है जो आउटफ्लो होता है कंसेप्ट कैसा? इसमें क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं। इसमें एक एनपीवी पूछा है दूसरा पीआई पूछा है हम जो पीवी ऑफ आउटफ्लो निकालते हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल को लेते हैं उसमें और जो हम पीवी ऑफ इनफ्लो निकालते हैं उसके अंदर हम सी एंड सेलवेज लेते हैं सेलवेज प्लस वर्किंग कैपिटल का रिटर्न तो इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो में दिखाई जाएंगे उनके प्रेजेंट वैल्यू जिस भी टाइम पे हो जैसे टी, टी, टी सेलवेज जब मिलेगी वर्किंग कैपिटल जब मिलेगी सी एफ एब मिलेगा वो इनफ्लो में आएगा अगर कोई ऑपरेटिंग खर्चा टी जीरो पर भी हो रहा है जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के दो लाख रुपए जा रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग खर्चा है ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ये जो दो लाख रुपए जा रही है ये भी पीवीएफ इनफ्लो में ही एडजस्ट की जाएगी तो हमारा जो पीबीएफ आउटफ्लो होता है उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल होते हैं और पीबीएफ इनफ्लो के अंदर ही ऑपरेटिंग कॉस्ट एडजस्ट की जाती है तो यहां पर अगर आप देखेंगे आउटफ्लो तो इन्वेस्टमेंट सोलह लाख रुपए इंस्टॉलेशन के एक लाख रुपए चार लाख रुपए आपके फिर से ट्वेंटी परसेंट आपने दिए टी वन पर और यहां पर इनफ्लो में अगर आप देखेंगे तो सी एफ ए टी सी एफ ए सी एफ ए सी एफ ए सी एफ ए और जो ऑपरेटिंग खर्चा टी जीरो पर गया है वो भी पीवीओ इनफ्लो में ही एडजस्ट करके दिखाया जाएगा ये पीवीओफ इनफ्लो आउटफ्लो का मैटर रहता है हाँ जी यहां तक क्लियर है सबको अब मुझे एक बात बताइए यहां तक जो पढ़ाया आपने मैं आपको बता दूं मोर देन फिफ्टी परसेंट चैप्टर हो गया बहुत छोटा सा पार्ट है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कहीं से भी आपको लग रहा है कि कोई कैपिटल बस्टिंग भारी कंसेप्ट है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है मैंने सारे सारे टॉप नॉज क्वेश्चन रखे हैं ये इसमें जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे टॉप नोज हैं एक बच्चा पूछ रहा है सर अगर मेंटेनेंस एडवांस पेमेंट ना लिखा हो तो क्या तो तो एनुअल मानेंगे अप्रूवल मानेंगे फिर कुछ क्यों मानना है फिर तो जैसे हर साल का खर्चा है वैसे लिखा जाएगा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ऐसा ओके जी बढ़ते हैं आगे हम लोग अब लाइव चैट ओपन होगी आपकी थोड़ी देर के बाद अब चैप्टर ज्यादा बचा नहीं है फिर एक साथ पूछ लेना जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत है हर सेशन के एंड में मैं पंद्रह बीस मिनट बैठूंगा जिस भी पॉइंट में डाउट हो पूछ लेना कोई इशू नहीं है हाँ जी चलते हैं अब कंसेप्ट वापस हमारे पास कंसेप्ट आ जाओ आ जाओ आ जाओ हा जी पी तक हम लोग आ गए थे ओके पी टेक्निक के बाद में हमारे पास एक कंसेप्ट आता है अन लाइफ का क्वल लाइफ के अंदर क्या होगा कि किसी प्रोजेक्ट की लाइफ तीन साल है किसी की पांच साल है तो ऐसी सिचुएशन में में या तो या तो एनपीवी होगा होगा फिर पीवी ऑफ आउटफ्लो आउटफ्लो देखो जिस क्वेश्चन इनफ्लो और दोनों दिए होते हैं उस क्वेश्चन में हम निकालते हैं एनपीवी लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ आउटफ्लो दिया होता है तो अगर सिर्फ आउटफ्लो दिया है तो हम पीवी ऑफ आउटफ्लो निकालते हैं जिसका कम होता है जिस प्रोजेक्ट का उसे सेलेक्ट करते हैं और एनपीवी जिसका हायर होता है उसे सेलेक्ट किया जाता है एनपीवी हायर वाला सेलेक्ट होता है और आउटफ्लो लोअर वाला सेलेक्ट होता है ठीक है तो अगर क्वेश्चन में इनफ्लो आउटफ्लो दोनों है तो एनपीवी तो निकल जाता है कोई दिक्कत ही नहीं आती ऐसे क्वेश्चन करे थे हमने लेकिन क्वेश्चन सिर्फ आपको आउटफ्लो बताए एनुअल सेल वगैरह बताया नहीं तो आपको पीवी ऑफ आउटफ्लो निकालनी होगी और जिसका आउटफ्लो कम होगा उसे लेंगे अब क्या मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर कि जैसे एक प्रोजेक्ट वन है या टू है दो प्रोजेक्ट हैं इसकी लाइफ साल है और इसकी लाइफ पांच साल है तो अब हम चुनाव कैसे करें तो बड़ा सिंपल है एनपीवी या फिर आउटफ्लो आउटफ्लो जिस भी बेसिस पर आप क्वेश्चन कर रहे हो एनपीवी या फिर outflow, जो भी आपका बेसिस है क्वेश्चन करने का वो निकाल लो पहले दोनों प्रोजेक्ट का पीवीओफ आउटफ्लो उसके बाद में आराम से जैसे एनपीवी निकालते हैं आउटफ्लो निकालते हैं वहां पर पहुंचो और उसके बाद में इसको डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर तीन साल वाले से कर दो यहां पर सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर पांच साल वाले से किया जाएगा तो जिसकी जितनी लाइफ है उसके उतने सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर ईयर से डिवाइड कर देंगे अब जो हमारे पास आएगा उसे हम बोलते हैं एनोलाइज एन और अगर आउटफ्लो पे चल रहे हो तो एनोलाइज आउटफ्लो बस अब इस बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं जिनकी लाइफ अलग अलग है तो हम एनपीवी पे क्वेश्चन को खत्म नहीं करेंगे बल्कि एनपीवी में सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड करके उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा पहले मैं आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूं इस क्वेश्चन के साथ क्योंकि इसका छोटा सा क्वेश्चन है ये पांच नंबर में पूछा जाता है और पूछा बहुत जाता है और यही क्वेश्चन पूछा जाता है जो ये क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आता है हमेशा की पैसा जा रहा है, तीन साल तक चलेगी. हर साल एक लाख तीस हजार रुपये इसके चलाने के खर्च होंगे इनफ्लो के बारे में कुछ नहीं कह रहा ठीक है जी सेकेंड मशीन छह लाख रुपए की है लेकिन सिर्फ दो साल चलेगी और ढाई लाख रुपए हर साल आपको इस पर खर्च करने पड़ेंगे ठीक है जी A और बी के बारे में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल टेन परसेंट है टैक्स को इग्नोर करना है okay. अब हम क्या करेंगे? दोनों का आउटफ्लो निकालेंगे कि दोनों का कितना है? तो में कितना गया? 8 ,00 और छह लाख रुपए उसके बाद में एक लाख तीस हजार रुपए तीन साल तक जाएंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे एक लाख तीस हजार और तीन साल का सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर ले दिया थ्री ट्वेंटी थ्री टू ए इसके ढाई लाख रुपए दो साल तक जाएंगे तो लाख रुपए दो साल का सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लिया और वो आ गया अब हमारे पास आउटफ्लो कितना हुआ टेंट थर्टी थ्री लेकिन इसकी लाइफ तीन साल है और इसकी लाइफ दो साल है मशीन की तो क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं होगा इसे आपको पहले तो ये तीन साल वाले से डिवाइड होगा ये दो साल वाले से डिवाइड होगा अब जो आंसर आएगा उस आंसर के बेसिस पर हमें सिलेक्शन करना है तो ये क्वेश्चन है आउटफ्लो पर तो आउटफ्लो किसका कम है आउटफ्लो फोर लैक फिफ्टी वन थाउजेंड वाले का कम है तो फोर वाली मशीन को हम खरीद लेंगे तो मशीन ए आपको लेनी चाहिए यानी लाइफ कोई दिमाग नहीं लगाना सिंपली आपको क्या करना है पूरा क्वेश्चन सोल्व करिए और लास्ट में सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए फिर जो आंसर आएगा उसके बेसिस पर डिसीजन लेना होगा ओके अब हमारे पास एक कंसेप्ट है इसमें कैपिटल लास्टिंग एक रिप्लेसमेंट डिसीजन और फिर दो आईआरआर और उसकी टेक्निक और आगे बढ़ेंगे जाइएर आई आर आर टेक्निक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर हमारे पास पहली सिचुएशन आती है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कितने परसेंट रिटर्न हमें प्रोजेक्ट दे रहा है ओके तो हमारे पास इसके अंदर अगर एक ही बार में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है जैसे मेरे पास आउटफ्लो है एक लाख रुपए और चार साल के अंदर एक लाख पच्चीस हजार का इनफ्लो है तो मैं कहूंगा एक लाख पच्चीस हजार का इनफ्लो आया एक लाख रुपए लगा के चार साल में तो यहां पर हो जाएगी पावर फोर और यहां पर माइनस वन तो जैसे सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते थे आप लोगों ने मतलब सिंपल मतलब आसान तरीका जैसे कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते थे बस वही फॉर्मूला लगाना है तो ये एक लाख पच्चीस हजार रुपए मिलेंगे आपको चार साल के बाद ये हो गई अमाउंट एक लाख रुपए आपने लगाए ये हो गया प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गया टाइम पावर फोर और माइनस वन तो एक लाख पच्चीस हजार डिवाइड बाई एक लाख रुपए अंडर रूट फोर है तो दो अंडर रूट का बटन दबा दिया 1 आ गया माइनस वन किया तो ये आ गया जीरो आई आर आर आ गई तो वन पॉइंट इनफ्लो वन पॉइंट आउटफ्लो सिंपल है वो एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाली बात है ये आपको बहुत पहले से आता है तो इसके नंबर क्यों देगा इसके बाद में आती है दूसरी सिचुएशन मल्टीपल पॉइंट इनफ्लो और कैश फ्लो अनइक्वल हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे अब जैसे मान लीजिए आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए आपका एक लाख रुपए ठीक है अब इसके बाद में जो आपके पास कैश इनफ्लो है वो क्वेश्चन ने कहा कि हमारे पास चार साल तक आएगा ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर ओके तो मैं इसमें साढ़े बारह परसेंट रिटर्न भरना ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट पहले साल पचास हजार रुपए मान लो आपको मिले हैं, दूसरे साल आपको मान लो तीस हजार रुपए मिले तीसरे साल मान लो आपको पच्चीस हजार रुपए मिले चौथे साल मान लो आपको तेईस हजार रुपए मिले हैं अब क्वेश्चन कहेगा आईआरआर निकालो तो कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आईआरआर के अंदर दो रेट लेने होते हैं बेसिकली एक पॉजिटिव एनपीवी निकालना है एक नेगेटिव तो रेट कैसे मिलेंगे तो रेट एग्जाम में दिए हुए होंगे आपको आपको टेबल दी जाएगी इसके नीचे तो एग्जामिनर ने जैसे यहां पर टेबल दे दी दस परसेंट की बारह परसेंट की पंद्रह परसेंट की ऐसे तीन टेबल दे दी आपको आपको एग्जाम में क्या करना है अब आपको दो एनपीवी निकालने हैं इसमें एक सबसे छोटे वाले रेट का निकालना एक सबसे बड़े रेट का निकालना तो एग्जाम में या तो क्वेश्चन आपसे साफ साफ बोलेगा दस परसेंट और पंद्रह परसेंट लेकर आई आर आर निकाल दो इसकी या फिर आपको टेबल दे देगा नीचे तो टेबल में तीन चार रेट होंगे आपको सिंपली क्या करना है एक सबसे छोटा रेट उठाओ एक सबसे बड़ा रेट उठाओ और बात खत्म अब हम टेन परसेंट से एनपीवी निकालेंगे फिफ्टीन परसेंट से एनपीवी निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास दो एनपीवी आएंगे एक टेन परसेंट से एक फिफ्टीन परसेंट से यहां पर आ गया एनपीवी टेन परसेंट एन फिफ्टीन परसेंट तो हमारे पास पचास हजार मल्टीप्लाई बाई पचास हजार पचास हजार मल्टीप्लाई पॉइंट नाइन जीरो नाइन मल्टीप्लाई बाई जो भी आएगा इसका प्लस दूसरा आ गया तीस पच्चीस तेईस तीस पच्चीस तेईस ये तीस ठीक है आपको सिंपली दो एनपी भी निकालने माइनस पैसे कितने लगे थे आपके एक लाख रुपए माइनस वन लैख माइनस वन लैख तो टेन परसेंट का गया, 1 .1 0 0 .751, 0 .683. ठीक है जी और दूसरे वाले का आपके पास वन पॉइंट वन फाइव डिवाइड बाई इक्व टू पॉइंट यानी एट तो एग्जाम में दो रेट कैसे लिए जाएंगे बिल्कुल सिंपल है एक छोटा वाला रेट उठा लो एक बड़ा वाला क्वेश्चन में टेबल दी जाएगी आपको आप बेफिक्र रहिए और दूसरी चीज ये अपने आप से रेट एज्यूम नहीं करने होते आईआरआर में रेट खुद एडजूम नहीं करने होते एग्जाम में टेबल मिलती ही मिलती है क्वेश्चन के नीचे ही टेबल बनी हुई होती है तो टेबल पूरी टेबल नहीं आएगी उसमें तीन चार रेट दे देगा एक सबसे छोटा उठाओ एक सबसे बड़ा उठाओ आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना इसमें दूसरा है पॉइंट सेवन फाइव सिक्स तीसरा है पॉइंट सिक्स फाइव एट और चौथा है पॉइंट फाइव सेवन टू ठीक है जी अब जरा मैं निकालता हूँ इसका पचास हजार टू पॉइंट नाइन ज़ीरो नाइन तीस हजार इंटू पॉइंट एट टू सिक्स और जी पच्चीस हजार इंटू पॉइंट सेवन फाइव वन और तेईस हजार इं पॉइंट सिक्स एट थ्री ये आ गया पॉजिटिव फोर सेवन वन फोर ठीक है अब दूसरे वाले में इसका नेगेटिव आएगा पचास हजार इंटू पॉइंट एट सेवन तीस हजार इंटू पॉइंट सेवन फाइव सिक्स पच्चीस हजार इंटू पॉइंट सिक्स फाइव एट तेईस हजार इंटू पॉइंट फाइव सेवन टू कई बार बच्चे पूछते हैं आई आर में कि सर अगर हमारा दोनों नेगेटिव आ जाए या दोनों पॉजिटिव आ जाए तो उससे भी तो हम आंसर निकाल सकते हैं नहीं आईसीआई नंबर नहीं देगा एक एनपीवी पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए दो रेटों से ठीक है जी अब हमारे पास आई का फॉर्मूला सीधा लग जाएगा लोअर रेट प्लस एनपीवी लोअर रेट पर डिवाइड एनपीवी डिवाइडीप्लाई बाईर माइनस लोअर रेट ये आप फॉर्मूला अकाउंट में यहां वहां हर जगह कर चुके हैं तो हमारे पास है फोर सेवन वन फोर इसके बाद में फोर सेवन वन फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फोर टू वन फोर मल्टीप्लाई बाई पंद्रह परसेंट और माइनस दस परसेंट है इसमें ही बच्चे गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं वो बताता हूं मैं आपको अब जरा देखिए टेन परसेंट प्लस ये हो गया फोर सेवन वन फोर प्लस फोर टू वन फोर एट नाइन टू एट एट नाइन टू एट पॉइंट फाइव टू एट आ रहा है मेरा इसका आंसर बच्चे क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई बाई फाइव है ना फाइव तो परसेंट से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं आपको ध्यान रखना है ये पहले वाला भी परसेंटेज में है तो आपको पॉइंट एट फाइव मल्टीप्लाई भी पांच परसेंट नहीं करना परसेंटेज में ही आंसर चाहिए आपको मल्टीप्लाई बाई फाइव करना है सिर्फ तो बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं तो पॉइंट फाइव टू एट आ गया मल्टीप्लाई बाई फाइव करिए आगे टू पॉइंट सिक्स फोर आंसर इसका इसके आगे फिर परसेंटेज लगा दो यानी परसेंटेज का बटन नहीं दबाना तो हमारे पास आगे ट्वेल्व पॉइंट सिक्स फोर परसेंट के आसपास आई आर आर तो आई आर आर में हमारे पास सिंपली बिल्कुल सिंपल सा तरीका वन पॉइंट इनफ्लो आउटफ्लो में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अनइक्वल में हम क्या करेंगे हम डिस्काउंट रेट लेंगे दो जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनपीवी आ जाएगा ये डिस्काउंट रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं एक सबसे छोटा उठाना है एक सबसे बड़ा फिर आर के लिए फॉर्मूला लगाना लोअर रेट एनपीवी लोअर रेट लोअर माइनस हायर रेट और हायर माइनस लोअर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अब तीसरा आता है इक्वल कैश हो अगर तो क्या करेंगे अगर इक्वल कैश होगा आपके पास तो हमारे पास जैसे आपने मान लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका है और एनुअल कैश फ्लो एनुअल कैश फ्लो आपका एनुअल कैश फ्लो चालीस हजार है ठीक है क्वेश्चन आपको क्या करेगा यहाँ पर पीवीआईएफ देगा और कुछ रेट देगा जैसे दस परसेंट बारह परसेंट पंद्रह परसेंट ये दे दिए और लाइफ है इसकी मान लीजिए साल three years. तो 10 का डिवाइड डिवाइड हो गया टू पॉइंट टू एट थ्री नीचे टेबल दी जाएगी आपको पीवीआईएफए की ऊपर अमाउंट दी जाएगी लाइफ दी जाएगी और चालीस हजार का इन्वेस्टमेंट है अब मान लीजिए सॉरी है इन्वेस्टमेंट है सिक्स थाउजेंड एटी रुपीज का इन्वेस्टमेंट है नाइनटी सिक्स थाउजेंड एटी का तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आप निकालेंगे पी वी आई एफ एट आई आर आर उसका फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड by कैश फ्लो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है नाइनटी सिक्स थाउजेंड एटी और कैश फ्लो है चालीस हजार आपके पास आया नाइन सिक्स जीरो एट जीरो टू तो टू पॉइंट फोर जीरो टू जाके देखिए कहां पर लिखा हुआ है बारह परसेंट पे लिखा हुआ है तो आई आर आर आपका बारह परसेंट आ गया है. यह है सिचुएशन वन सिचुएशन वन है कि टेबल में मैच हो गया तो पीवीआईएफ निकालो फिर चेक करो टेबल में मैच हुआ या नहीं हुआ सिचुएशन नंबर टू सेकंड सिचुएशन कहती है हमसे कि मैच नहीं हुआ तो क्या करेंगे मान लीजिए हमारा इन्वेस्टमेंट है नाइन्टी फाइव थाउजेंड अब क्या करें नाइन्टी फाइव थाउजेंड है तो कोई बात नहीं आप आराम से पहले निकाल लीजिए नाइन्टी फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई फोर्टी थाउजेंड अब आगे आपका 2.375 अब जरा चेक करिए टेबल में जाकर मैच हो रहा है या नहीं तो टेबल में मैच तो नहीं हो रहा अब ये चेक करिए कि किन-किन के बीच में है तो 2.37 किस-किस के बीच में है ये है 2.40 ये है 2.28 तो 40 28 के बीच में ही 37 आएगा तो इसका मतलब आपका एनपीवी 12 और 15% के बीच में है आईआरआर एक एनपीवी निकालिए 12% से एक एनपी भी निकालिए पंद्रह परसेंट से और सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए जो अनईक्वल कैश इन फ्लो में करते थे तो हमारे पास पहले आप निकालेंगे पी आई आर आर पर फिर उसको आप चेक करेंगे टेबल में टेबल में मैच हो गया बात ही खत्म हो गई लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो फिर से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एनपीवी निकालना पड़ेगा और फिर आईआरआर का सेम फॉर्मूला लगाकर करेंगे जैसे अनइक्वल कैश फ्लो में हमने किया था ओके इसके बाद हमारे पास लास्ट मेथड है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एम आई आर आर एम आई आर आर टेक्निक कहती है कि हम सारे पैसे को फ्यूचर में ले जाएंगे जो भी बीच में आ रहा है तो जितना भी कैश फ्लो आपके बीच में आएगा जैसे कि बीस हजार तीस हजार चालीस हजार पचास हजार ऐसे आ रहा है तो उसे लास्ट ईयर में ले जाओ जैसे मान लो हमारे पास पांच साल की लाइफ है वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो आपको यहां दस हजार मिले यहाँ बीस हजार यहाँ पंद्रह हजार यहाँ अट्ठारह हजार यहाँ बीस हजार तो अब आपको क्या करना है सारे पैसे को जो लास्ट ईयर है वहां पे लेके जाना है तो अट्ठारह हजार को यहाँ लेके जाएंगे पंद्रह हजार को यहाँ बीस हजार को यहाँ दस हजार को यहां यहाँ पे सारा पैसा जोड़ लो कितना है और टी जीरो पर जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे ले लो और उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो ये जो आप फ्यूचर में लेके जाओगे इसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप इंटरेस्ट रेट की तरह से यूज करोगे तो ये वाली टेक्निक के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन है मैं सीधे क्वेश्चन ही दिखा देता हूं पहले फिर बात के क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन एम आई आर आर का पहले वो करवा रहा हूं मैं आपको बीबी क्यू देखो एम आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया टोटल सात टेक्निक है ए पूछा गया है पे पीरियड पूछा जाता है डिस्काउंटेड पे आता है एनपीबी भी आता है पी भी आता है आई भी आता है लेकिन एम नहीं पूछा गया तो किसी भी दिन दे देगा दे और फाइव मार्क्स में दे देगा दे स्टडी मैट में यही क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है जब भी आएगा सीधे यही आएगा क्वेश्चन दिखाता तो हूं मैं आपको यूजिंग डिटेल्स बिलो कैलकुलेट एट परसेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हम इंटरेस्ट रेट एट परसेंट मानकर चलेंगे इंटरेस्ट रेट हमारा कंपाउंडिंग फैक्टर है या इंटरेस्ट रेट है अब जरा देखिए ईयर इीरो पे वन लैक थर्टी सिक्स थाउजेंड आपकी जेब से चले गए ओके अब one, two, three, four, five. Five साल तक पैसा आपके पास आ रहा है आपको क्या करना है पांचवें साल में कितना पैसा आया है बीस हजार रुपए ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है फोर्थ ईयर में कितना है तीस हजार तो इसमें एक साल का आठ परसेंट इंटरेस्ट लगा दो तो तीस हजार में आठ परसेंट जोड़ो थर्टी टू फोर हंड्रेड रुपए फिर साठ हजार रुपए है इसमें दो साल का इंटरेस्ट लगा दो थर्ड से फिफ्थ तक जाना है ना तो थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर से फिफ्थ ईयर दो साल का इंटरेस्ट लगा दो आठ परसेंट से तो साठ हजार प्लस आठ परसेंट प्लस आठ परसेंट ये हो गया सिक्स नाइन नाइन एट फोर अब फोर्टी थाउजेंड को लेके जाना है लास्ट ईयर में तो तीन साल का आठ परसेंट लगेगा तो चालीस हजार प्लस आठ परसेंट प्लस आठ परसेंट प्लस आठ परसेंट ये हो गया फाइव जीरो थ्री एट एट इसके बाद में थर्टी थाउजेंड को भी फिफ्थ ईयर पे आपको लेके जाना है तो चार साल का इंटरेस्ट लगेगा फर्स्ट ईयर से सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चार साल का इंटरेस्ट तो थर्टी थाउजेंड प्लस एट परसेंट प्लस एट परसेंट प्लस एट परसेंट प्लस एट परसेंट ये हो गया फोर जीरो एट वन फाइव तो हम ये सारा का सारा पैसा फिफ्थ ईयर में ले आएंगे और इसको जोड़ लेंगे कितना है ठीक है तो देखिए कैसे करते हैं इसको आप सिंपली क्या करेंगे सारे साल का कैश फ्लो लिखेंगे थर्टी फोर्टी सिक्सटी थर्टी ट्वेंटी

जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट लेते थे वैसे ही मैं दिखा भी देता हूं आपको कैसे 1.08 कैलकुलेटर पे लिखा आपने मल्टीप्लाई टू करोगे तो ये दो साल का हो गया फिर इक्वस टू करोगे तीन साल का हो गया फिर टू करोगे चार साल का हो गया इस तरह से आने जोड़ लिया ये सारा पैसा है टू लैख थर्टीन थाउजेंड फाइव एटी हमें सिंपली क्या करना है एम आई आर आर में हम ये मानेंगे कि हमारा स्टार्टिंग में वन थर्टी सिक्स लगा और पांच साल के बाद टू लैख थर्टीन थाउजेंड हमें टू लेख थर्टीन थाउजेंड फाइव एटी सेवन मिले हैं कंपाउंड तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वही लगाना है तो एम आई आर आर भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है सिंपल सा करना है कि पांच साल के एंड में कितना पैसा मिल रहा है सारा पैसा पांच साल पे ले जाओ टू थर्टीन फाइव एटी सेवन शुरू में आपने लगाया था पावर में आ गया फाइव माइनस वन अब ये जो पावर फाइव है इसे कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कैलकुलेटर पे इस फिगर को यहां पर पहले कैलकुलेट पे डिवाइड कर दो ये, ये वाली फिगर पहले यहाँ पर ले आओ ये आ गया वन पॉइंट फाइव सेवन जीरो फोर समथिंग ठीक है अब इसको आप क्या करेंगे अंडर रूट का बटन दबाएंगे ट्वेल्व टाइम्स तो हमारे पास एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब इसके बाद में आप करेंगे माइनस वन माइनस वन टू इसके बाद में डिवाइडेड बाई कर देंगे जितनी पावर है डिवाइडेड बाई फाइव डिवाइड बाई फाइव इक्व टू अब कर देंगे प्लस वन प्लस वन इक्व टू अब जो भी आया है उसको मल्टीप्लाई बाई इक्व टू बारह बार बटन दबाना है आपको तो मल्टीप्लाई इक्व टू एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो वन पॉइंट जीरो नाइन फोर फोर मेरे पास आंसर आ गया तो इसका आंसर मेरे पास आ गया वन पॉइंट जीरो नाइन फोर फोर एट और माइनस वन बाहर है ये आ गया पॉइंट जीरो नाइन फोर फोर एट या फिर नाइन पॉइंट फोर फोर एट परसेंट मेरा एम आई आर आर आ गया तो सिंपल है एम आर बिल्कुल ये जिन बच्चों को कैलकुलेटर पे नहीं करना आता वो वीडियो को पीछे से दोबारा से देख लेना किस तरह से करवाया लिखवा दिए मैंने सारे स्टेप इसमें ये हमारा एमआईआर भी खत्म हो गया ओके अब हमारे पास है जी इसके बाद में कंसेप्ट में अभी आई के और उसके सबके क्वेश्चन आएंगे हमारे पास कैपिटल राशनिंग पहले कैपिटल राशनिंग बताता हूं आपको एंड बिल्कुल कैपिटल राशनिंग कैपिटल राशनिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट होते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हमारे सामने होते हैं पर हम सबको खरीद नहीं सकते इतना पैसा हमारे पास नहीं होता तो कैपिटल में हमें देखना होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है जो प्रोजेक्ट है वो कैसा है तो प्रोजेक्ट को दो तरीके का बोला गया है जो भी प्रोजेक्ट आपके सामने क्वेश्चन बताएगा एक है डिविजिबल डिविजिबल का मतलब है हम तोड़ तोड़ कर पैसा लगा सकते हैं यानी आप जैसे एक लाख का प्रोजेक्ट है तो उसमें पांच हजार दस हजार पंद्रह हजार कितने भी लगा सकते हो एक है इंडिविजिवल इंडिविजिवल का मतलब है या तो प्रोजेक्ट पूरा खरीदना पड़ेगा या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा तो इसमें तोड़ तोड़ के पैसा नहीं लगा सकते अगर डिविजिबल है तो आप सिंपली पहले निकालिए सबका पीआई फिर जिसका पीआई ज्यादा है उसको अपर रैंक दीजिए बाकी को छोटी रैंक दीजिए इसके बाद में रैंक वाइज इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए तो पीआई आई निकालो रैंक दो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो इंडिविजुअल में आपको क्या करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे अवेलेबल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे और फिर उसे सेलेक्ट कर लेंगे जिसका कॉम्बिनेशन का एनपीवी सबसे ज्यादा होगा तो ये दो हमारे पास स्कीम इसमें रहेंगी कैपिटल लास्टिंग में इसका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में सेम टू सेम ये क्वेश्चन आता है आता पांच नंबर में ही है बीबीक्यू फिफ्टी थ्री ठीक है और इससे पहले हमारे पास ठीक है एक क्वेश्चन ही बचा ओके ठीक है तीन क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं इसके बाद बस शिवा लिमिटेड इज प्लानिंग इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट ईयर इट है प्रोजेक्ट विच गिव पॉजिटिव एनपीवी कट ऑफ रेट यानी डिस्काउंट रेट यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पंद्रह परसेंट है तो हमारे पास इन्होंने पांच प्रोजेक्ट दे दिए इन्वेस्टमेंट दे दिया और एनपीवी बता दिया कह रहे हैं हमारे पास सिर्फ एक लाख बीस हजार रुपए है तो इन सबको जोड़ के देखिए सारे प्रोजेक्ट अगर मुझे लेने हो तो मेरे पास एक लाख अस्सी हजार रुपए की जरूरत है पर मेरे पे तो एक लाख बीस हजार है अब मैं क्या करूं तो क्वेश्चन आपसे कहेगा बताओ प्रोजेक्ट्स को कैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट को हम लें अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल हो तो और इनडिविजिबल हो तो तो अगर डिविजिबल है तो आपको क्या करना है अब इन पांचों का हम पी आई निकाल देंगे ये हमारे पास इन पांचों प्रोजेक्ट का पी आ गया अब जिसका पीआई सबसे ज्यादा है उसकी रैंक वन जिसका उससे कम है उसकी रैंक टू जिसका उससे भी कम है थ्री फोर फाइव ऐसे रैंक दे दी थी। ठीक है तो हमने पीआई निकाल लिया पीआई के बेसिस पे रैंक दे दी अब इन प्रोजेक्ट्स की हमने कॉस्ट लिख ली यहां पर हम परसेंटेज लिखेंगे प्रोजेक्ट की और यहां पर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिखेंगे टोटल पैसा आपके पास कितना है एक लाख बीस हजार वो हमने लिख लिया कि भाई टोटल पैसा एक लाख बीस हजार है अब देखिए पैसा कैसे लगेगा सबसे पहले देखो रैंक वन वाले को कितना पैसा चाहिए पैंतीस हजार तो आपके पास तो एक लाख बीस हजार है क्या आप पैंतीस हजार लगा सकते हो यस तो पैंतीस हजार रुपए लगा दिए पूरा हंड्रेड परसेंट प्रोजेक्ट हमने खरीद लिया ठीक है अब आपके पास एक लाख बीस हजार में से पैंतीस हजार रुपए खर्च हो चुके हैं अब एटी फाइव थाउजेंड आपके पास बचे हैं अब देखिए रैंक टू किसकी है इसकी चालीस हजार का प्रोजेक्ट है तो हम पे एटी फाइव थाउजेंड है ये चालीस हजार का है तो हम चालीस हजार रुपए पूरे लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हमने पूरे चालीस हजार लगा दिए हंड्रेड परसेंट चालीस हजार गए अब था किसकी है पैंतालीस किस हजार बचे है, पूरा खरीद लिया मैंने अब मेरे पे बीस हजार रुपए बचे हैं अब रैंक फोर में मैं सिर्फ बीस हजार रुपए लगा पाऊंगा ये प्रोजेक्ट तीस हजार रुपए का है तो तीस हजार रुपए के प्रोजेक्ट में बीस हजार लगाए तो सिक्सटी सिक्स परसेंट प्रोजेक्ट मैंने

प्रोजेक्ट बी चालीस हजार का नब्बे हजार हो गए प्रोजेक्ट सी नब्बे हजार प्लस पच्चीस हजार एक लाख पंद्रह हजार रुपए हो गए अब हम पे पांच हजार तो में कुछ नहीं मिलेगा तो एबीसी का कॉम्बिनेशन हो गया एबीसी का कॉम्बिनेशन एक पंद्रह लग गए ठीक है अब इसके बाद में ए बी और डी ले लीजिए तो एबीडी आ गया ये पूरे एक बीस लग गए एबीडी आ गया इसके बाद में ये देखिए कि ए और बी के साथ ई e आ सकता है क्या नब्बे और पैंतीस नहीं आ सकता एक लाख पच्चीस हजार चाहिए हम पे एक बीस है तो ए बी सी हो गया ए बी डी हो गया ए बी ई नहीं हो सकता तो ए के साथ बी के कॉम्बिनेशन खत्म अब ए के साथ सी के कॉम्बिनेशन ए सी ऊपर नहीं जाना कभी भी बी को नहीं लेंगे नीचे आते जाना है ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन हो चुके हैं अब बी अब नीचे चलेंगे तो ए सी अब देखिए इसके साथ डी ले लेंगे ले तो पचास पच्चीस और तीस ये लग गए तो ए सी डी आ गया अब ए सी और ई e देखते हैं आ जाएगा क्या तो पैंतीस और पच्चीस और पचास आ जाएगा हमारे पास तो ए सी आ गया हमारे पास अब ए सी इन दोनों के सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो गए तो ए बी और ए सी खत्म हो गया अब ए डी और साथ में ई e भी आ जाएगा तो ए डी ले लिया हमने ये ए डी आ गया हमारे पास ओके एक लाख बीस हजार को क्रॉस नहीं करना किसी हालत में अब ए के सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो गए ए के बी के साथ सी के साथ डी और ई के साथ हो गए अब ए खत्म अब बी सी डी ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन बी सी डी आ गया अब बी सी ई ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा बन जाएगा एक बीस में बी सी ई आ गया अब इसके बाद में बी डी और ई ये कॉम्बिनेशन बन गया तो ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे बीसीडी बीसी फिर सी के सारे हो गए तो बी डी ओके भी हो गए अब बी हमारा खत्म हो जाएगा अब सी डी ई इन तीनों का एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा बस ये सी डी e, कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो गए तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं वो ध्यान रखिएगा ऊपर से नीचे की तरफ चलिए कभी वापस मत जाइए पहले ए के साथ बी उसके बाद बी के साथ ए और बी के साथ सी जोड़ा डी ई e, ऐसे जोड़ते गए फिर ए के साथ बी खत्म हो गया तो ए के साथ सी को उठाए फिर जोड़ते चले गए उसके बाद ए के साथ में डी और ई e को उठा लिया ऐसे ए के कॉम्बिनेशन खत्म ए कट अब बी के साथ सी और डी फिर बी डी ई ये बन गए इसके बाद में आपके पास सी के साथ में सी डी ई बन गया इस तरह से कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं ऊपर से नीचे चलते जाइए अब जितने भी कॉम्बिनेशन बने उनका एनपीवी जोड़ लीजिए और चेक कर लीजिए किसका एनपीवी सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा एनपीवी हमारे पास है फोर्टी नाइन टू हंड्रेड बी डी ई का तो हम बी डी ई को सेलेक्ट कर लेंगे ओके इसके बाद में हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है वो है रिप्लेसमेंट डिसीजन और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और दो क्वेश्चन वो करेंगे और कैपिटल बस्टिंग का काम खत्म हो जाएगा रिप्लेसमेंट डिसीजन में हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन हमें ना एक एग्जिस्टिंग मशीन बोलेगा कि हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीन है और हमसे कहेगा कि नई मशीन को लें हम या ना लें तो एग्जिस्टिंग मशीन आपकी चलती हुई मशीन होगी इसके अंदर सिंपली आपको क्या करना है पहले इनिशियल आउटफ्लो निकालना है आपको इनिशियल आउटफ्लो में हम सिंपली क्या करेंगे नई मशीन को खरीदेंगे कोई वर्किंग कैपिटल लगानी है वो लगा देंगे पुरानी मशीन को बेच देंगे और कोई टैक्स वगैरह अगर बनता है पुरानी मशीन को बेचने पे क्योंकि पुरानी मशीन बेच के प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको एडजस्ट करेंगे और हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा फिर हम ड्यूरिंग द लाइफ कितना सी एफ ए हमें बढ़ के मिलेगा ये देखेंगे फिर हमें ईयर एंड पर कितनी सेलवेज बढ़कर मिलेगी वो देखेंगे जिसे हम टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं और फिर हम एनपी निकाल कर देखेंगे कि क्या हमें रिप्लेसमेंट करना चाहिए या नहीं तो रिप्लेसमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं ये तीन फेज में चलता है टी जीरो तो हमें सबसे पहले यहां पर देखना है एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट फिर हम देखेंगे T1 से लेकर टी एंड तक एक्स्ट्रा CFAT आपको कितना मिलेगा एक्स्ट्रा देखना है सब कुछ पुरानी मशीन के कंपैरिजन में नई मशीन में कितना हमें एक्स्ट्रा सी एफ ए मिलेगा फिर टी एन पर कितनी एक्स्ट्रा सेल्वेज मिलेगी तो ये तीन पार्ट में टूटा रहेगा हमारी आज की डेट में मशीन चल रही है हमें बदलने की जरूरत नहीं है तो हम क्यों रिप्लेस करें तो हम देखेंगे एक्स्ट्रा कितना हमारी जेब से जाएगा फिर देखेंगे हम एक्स्ट्रा सी एफ ए हमें कितना मिलेगा अगले चार पांच सालों तक और एक्स्ट्रा सेल्वेज हमें कितनी मिलने वाली है ठीक है ये तीनों चीजें हमें चेक करनी होंगी, रिप्लेसमेंट डिसीजन का काम हो जाएगा, क्वेश्चन के साथ में आएगा अब हमारे इसके अंदर एक तो मैनेजमेंट के के बता तो की बताई हुई रिटर्न के बराबर या उससे ज्यादा कमा रहे हो तो यस वरना नो पे पीरियड मैनेजमेंट बताएगा कितने टाइम में पैसा वापस चाहिए अगर उससे कम समय में या उसके बराबर

यानी survey, ये खर्चे आएंगे तो हम इग्नोर करेंगे अगर लिखा होगा, तो हम इग्नोर कर देंगे तो और और कैपिटल का कोई काम नहीं है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर किया जाएगा जैसे कि हमारे पास अगर कमीशन इनकम मिल रही थी और अब मिलनी बंद हो जाएगी तो हम उसे कंसिडर करेंगे अपॉर्चुनिटी इनकम को भी कंसिडर किया जाएगा अगर हमारा पहले हम वेस्ट को फेंकने का पैसा देते थे और अब नहीं देना पड़ेगा तो हमारा फायदा हो रहा है तो वो हम कंसिडर करेंगे वर्किंग कैपिटल स्टार्टिंग में चली जाएगी और एंड में वापस आ जाएगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा शुरू में लगेगी और लास्ट में वापस आ जाएगी रनिंग कॉस्ट का मतलब रनिंग कॉस्ट अगर लिखा हो तो वो कैश कॉस्ट की बात करता है रनिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है तो वो हमेशा कैश कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा है तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स्ड कॉस्ट भी है और उसके अंदर डेप्रीशिएशन भी जुड़ा हुआ है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में सारे खर्चे इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन बस एक बात का ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट मस्ट बी हायर देन डेप्रीशिएशन मान लो लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट पचास हजार है डेप्रीशिएशन तीस हजार है तो इसका मतलब डेप्रीशिएशन इसमें इंक्लूडेड है लेकिन अगर डेप्रीशिएशन पचास है या साठ है तो हम ये मानेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में डेप्रीशियन जुड़ा हुआ नहीं है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा से बड़ी होनी चाहिए अगर ऑपरेटिंग तो नहीं है डेप्रीशियन इनकम टैक्स के हिसाब से चलेगा अकाउंट के हिसाब से नहीं एडवांस पेमेंट होगी तो एडवांस पेमेंट को माइनस करेंगे फिर इनकम टैक्स लगेगा अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई ना हो तो डेप्रिशिएशन जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मान लेंगे कि वो टैक्स के हिसाब से चल रहा है और लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे सेट ऑफ नहीं करेंगे ठीक है अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं आ जाइए अब जो बचे हुए पॉइंट है वो भी आपको मिल जाएंगे बीबीक्यू फिफ्टी वन पढ़ते हैं क्वेश्चन हिंद लीवर कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन टू शिपमेंट इट्स रेंज लाइन

ढाई लाख रुपए ईयर टू में आ गए तीन लाख रुपए थर्ड ईयर में आ जाएंगे थ्री फिफ्टी फोर्थ ईयर में आ जाएंगे एंड फोर लैख ईच ईयर देयर आफ्टर थ्रू ईयर टेन फिर हमारे पास टी फाइव से लेकर टी टेन तक चार लाख रुपए आते रहेंगे ठीक है जी तो पहले दे दिया दो साल का आउटफ्लो टी जीरो टी वन पर और फिर हमारे पास ये इनफ्लो आ गया ओके okay. क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फिफ्टीन परसेंट हो वॉट इज द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट तो देखिए शुरू में सेवन गए फिर टेन गए फिर टू फिफ्टी आए थ्री लैक आए थ्री फिफ्टी आए फिर, 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 फिर पांच से दस साल तक चार लाख रुपए आए फिफ्टीन परसेंट से वैल्यू निकाली नेगेटिव एनपीवी है तो रिजेक्ट हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे फिर कह रहा है वोट विड बी द केस इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टेन परसेंट अगर दस परसेंट रेट ऑफ रिटर्न हो तो क्या करोगे तो अब हमने फिर से दस परसेंट डिस्काउंटिंग कर लेंगे तो पंद्रह परसेंट पे रिजेक्ट है और दस परसेंट पे एक्सेप्टेड है अब कह रहे आई आर आर निकालो अब आई आर आर निकालना कितना आसान होगा हो गया आपके लिए पहले पॉइंट में इन्होंने नेगेटिव एनपी भी निकलवा दिया दूसरे पॉइंट में पॉजिटिव एनपी भी निकलवा दिया तो दस परसेंट पे पॉजिटिव है

सेकेंड ईयर से इनफ्लो हमारा शुरू हुआ है तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो सेकेंड ईयर में ढाई लाख आ गए ओके थर्ड ईयर में थ्री आ गए तो ये हो गया फाइव पॉइंट फाइव लैख फिर आ गए तीन लाख रुपये तो ये हो गया पाँच तीन आठ नाइन लाख रुपीज और फिर चार लाख रुपये आ गए फिफ्थ ईयर पर तो ये हो गया हमारे पास थर्टीन लैख इसके बाद में फिर चार लाख रुपये आ गए टी सिक्स पर तो ये हो गया हमारे पास सेवनटीन लैख हमारा आउटफ्लो भी सेवनटीन लैख है तो सेकेंड ईयर में टू फिफ्टी फिर फाइव पॉइंट फाइव फिर नाइन हो गए फिर थर्टीन फिर सेवनटीन तो सिक्स ईयर में हमारा पे बैक पीरियड आ जाएगा छह साल में हमारा पे बैक पीरियड आ जाएगा ये सिक्स में पे बैक पीरियड आ गया क्वेश्चन खत्म बीबी क्यू फिफ्टी टू ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एग्जाम में सात आठ बार पूछा जा चुका है आईसीआई इसको बैक टू बैक पूछता है और ये दस नंबर में आता है इसके अंदर सीधे सीधे चार पॉइंट पूछे जाते हैं और क्वेश्चन खत्म हो जाता है क्वेश्चन देखेगा एनुअल कॉस्ट ऑफ सेविंग Annual cost of saving या दोनों एक ही बात है आई आर आर दिया हुआ है आपको पी आई वन पॉइंट जीरो सिक्स फोर है पी आई भी दिया हुआ है क्वेश्चन इसमें सबसे पहले पूछता है cost of project. तो देखिए, ये जो बारह परसेंट है आई आर आर आपका हमारे पास आई आर आर के अंदर फॉर्मूला क्या रहता है सबसे पहले हम पी वी आई एफ एर आर निकालते हैं उसका फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई अब देखिए आई आर आर आपको पता बारह परसेंट है, है। क्वेश्चन में यहां पर डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए हुए बारह परसेंट में आपके पास दिया हुआ है अब बारह परसेंट का पीवीआईएफ निकालो बारह परसेंट का पी वी आई एफ एट नाइन थ्री पॉइंट सेवन नाइन सेवन

थ्री पॉइंट जीरो थ्री एट में एक लाख रुपए को मल्टीप्लाई करिए थ्री लैख थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड आ गया पॉइंट नंबर वन आउटफ्लो आपके पास आ गया ओके okay. फिर इसमें दूसरा छोड़ देते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एनपीवी पूछ रहा है है पीआई आपको दिया हुआ है। अगर आपके पास पीआई है तो एनपीवी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है एनपीवी टू पी आई माइनस वन मल्टीप्लाई बाई आउटफ्लो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं बाकी आपके पास पीआई है तो पीवी ऑफ इनफ्लो पीआई से आप पीवी ऑफ इनफ्लो डिड एट्रेड पहले का मल्टीप्लाई तो करेंगे 064, पर तो, आ जाएगा. तो आपके पास इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा तो एनपीबी निकलकर आ जाएगा और आप चाहो तो शॉर्टकट फॉर्मूला भी लगा सकते हो दोनों तरीके से एनपीवी निकल सकता है तो NPV, ई का है पीवी ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो पी आई इतना इसको मल्टीप्लाई करिए आउटफ्लो में इनफ्लो निकल कर आ गया एनपीवी में. में क्या करना है पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो ये आपके पास एनपीवी आ गया आप चाहो तो शॉर्टकट फॉर्मुले से भी निकाल सकते हो पी आई माइनस वन मल्टीप्लाई बाई आउटफ्लो तीसरा पूछ रहा है पे बैक पीरियड सॉरी लास्ट वाला पे बैक पीरियड सिंपल है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका थ्री लैख थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड आपका एनुअल इनफ्लो कितना है एक लाख रुपए

तब आपके पास पी ऑफ इनफ्लो आया होगा तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अब आपके पास इनफ्लो भी है आपके पास पीवी ऑफ इनफ्लो भी है 3, 2, 3, 2, 4, बस आप सिंपली लाख रुपए को डिवाइड करिए सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर आपके पास आ जाएगा तो एक लाख रुपए से आप डिवाइड करेंगे ये आगे थ्री टू थ्री टू फोर थ्री ये देखेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को एनुअल इनफ्लो से डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा थ्री पॉइंट टू थ्री टू अब आपको ढूंढना है थ्री पॉइंट टू थ्री टू इनमें से किसका है बारह परसेंट का तो थ्री पॉइंट है तो ग्यारह का दस का नौ का सबका टोटल कर लीजिए मैं नौ का टोटल करता हूं बेसिकली मुझे तो आंसर पता है इसलिए मैं नौ का टोटल कर रहा हूं। आगे ली थ्री पॉइंट टू थ्री नाइन परसेंट का तो थ्री पॉइंट टू थ्री आ रहा है नाइन परसेंट का थ्री पॉइंट टू थ्री है यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी नाइन परसेंट होगी तो वो टोटल करके आपको चारों को देखना पड़ेगा जिससे मैच करेगा वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बन जाएगी ओके फिफ्टी थ्री हो चुका है हमारा फिफ्टी सिक्स में कौन सा था ठीक है वो एडजस्ट इन एन पी बी जो आजकल चल रहा है ठीक है अब देखिएगा अब रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है हमारे पास बीबीक्यू क्यू फिफ्टी फोर इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास ब्लॉकोफेट uh, वाला है जिसमें डब्ल्यू डीबीशन भी सीखेंगे और एक क्वेश्चन एडजस्टेड एनपीबी का स्टडी मैट में है जो सिलेबस में नहीं है पर स्टडी मैट में और बच्चे उसको कई बार पूछते हैं तो मैंने इस बार बूस्टर में वो भी रख दिया कि भाई एक बार वो भी देख के चले ही जाओ देखेगा दरफ है बिल्कुल अब हम लोग एम लिमिटेड इज थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग इट्स एग्जिस्टिंग मशीन बाई न्यू मशीन साठ लाख ,00 ,00 की एक मशीन लेने की सोच रहे हैं कंपनी का करंट प्रोडक्शन एटी थाउजेंड है जो वन लैक ,00 हो जाएगा द सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस दो सौ रुपये वो दो सौ रुपये ही रहेगा फॉलोइंग प्रोडक्शन वन यूनिट एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है वो बता रहे हैं एग्जिस्टिंग मशीन में पर यूनिट कॉस्ट जहां हम अस्सी हजार यूनिट बनाएंगे और न्यू मशीन में एक लाख यूनिट बनाएंगे तो वन यूनिट की कॉस्ट यहां पर दी जा रही है मेटेरियल वेजेज सुपरविजन रिपेयर पावर एंड फ्यूल डेप्रीशिएशन और एलोकेटेड ओवरहेड तो एलोकेटेड ओवरहेड यहां पर नहीं आएंगे एलोकेटेड ओवरहेड को हम इग्नोर कर देते हैं ठीक है बाकी सारे खर्चों में कोई दिक्कत नहीं है एग्जिस्टिंग मशीन है अकाउंटिंग बुक वैल्यू वन लैक अकाउंट के हिसाब से एक लाख रुपए की है एंड फुल्ली डेप्रीशिएटेड फॉर टैक्स पर्पज तो हमें इनकम टैक्स के हिसाब से चाहिए होता है तो इनकम टैक्स में इसकी डब्ल्यू डी जीरो है

मार्केट में 150 की बिकेगी अब बताइए मार्केट में 150 की बिकेगी 250 कह तो जो after 5 years. 5 साल के बेचोगे, तो ये आपकी थर्टी फाइव थाउजेंड में बिकेगी तो एक एग्जिस्टिंग मशीन है वो अभी बेचोगे ढाई लाख में बिक जाएगी पांच साल बाद बेचोगे पैंतीस की बिकेगी एक नई मशीन है जो साठ लाख में हम खरीदने जा रहे हैं okay. अभी हमारी एटी थाउजेंड यूनिट बनती हैं कल को हमारी एक लाख यूनिट बनेंगी अगर हम नई मशीन पे स्विच होते हैं तो तो एक्स्ट्रा हमारी बीस हजार यूनिट बनने वाली है ठीक है, है न्यू मशीन है लाइफ ऑफ फाइव ईयर्स एंड सेलविट टू फिफ्टी एट दी एंड ऑफ इकोनॉमिकल लाइफ नई मशीन पांच साल तक चलेगी लास्ट में ढाई लाख में बिक जाएगी इनकम टैक्स रेट फोर्टी परसेंट है एस एल एम बेसिस पर और आपका फिफ्टीन परसेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ठीक है कह रहे हैं आपको एनपीवी निकालना है रिप्लेसमेंट डिसीजन का और बताना है कंपनी रिप्लेसमेंट करे या ना करे ठीक है अब सब सबसे पहले देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे टी जीरो पर कितना पैसा जाएगा नई मशीन साठ लाख में आएगी पुरानी मशीन ढाई लाख में बिक जाएगी पर पुरानी मशीन की डब्लू है जीरो तो ढाई लाख के ढाई लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया इस प्रॉफिट पर इनकम टैक्स वाले आपसे टैक्स मांगेंगे चालीस परसेंट टैक्स है तो एक लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा तो हमारे पास नई मशीन खरीदने पर क्या होने वाला है नई मशीन खरीदने पर साठ लाख रुपए दोगे ढाई में पुरानी बिकेगी पर एक लाख का टैक्स भी देना पड़ेगा तो सिक्सटी वन लैक जेब से गए जेब में आए आपके पास नेट फिफ्टी एट फिफ्टी आपकी जेब से चले जाएंगे साठ लाख में नई मशीन आई ढाई लाख में पुरानी बिकी और एक लाख रुपए इनकम टैक्स वाले आपसे ले गए तो फिफ्टी एट फिफ्टी आगे आपका टी रुपए आउटफ्लो ये आउटफ्लो आ गया आपका इतना अब हम देखेंगे कि हमारे को फायदा कितना होने वाला है अगले पांच साल में जिसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल सी एफ ए तो आपकी बीस हजार यूनिट फालतू बिकेंगी जिस पर दो सौ रुपए आपकी सेल होगी तो बीस हजार यूनिट आपकी फालतू बिकेंगी दो सौ रुपए सेल प्राइस है चालीस लाख का कलेक्शन बढ़ेगा ठीक है अब यहां पर इन खर्चों को जोड़ो इन खर्चों को जोड़ो एक बार दोनों के पर यूनिट खर्च आइए सेवेंटी फाइव फिफ्टी टू फाइव ट्वेंटी इसका खर्चा है 173 पर यूनिट और इसका खर्चा 63.75 37.5 25 7.5 14.25 इसका खर्चा है 147.9 पर यूनिट तो ये हजार यूनिट पे खर्च होता था ये एक लाख यूनिट पे खर्च होगा दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है तो यहां पर 173 और 148 अच्छा है 148 10 पैसे कहीं मैंने गलत कर दिए 148 पर यूनिट हां जी तो एक लाख यूनिट पे 148 लगेंगे पहले अस्सी हजार यूनिट पे 173 लगते थे तो एक्स्ट्रा खर्चा 960 होगा अब एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन नई मशीन पे डेप्रीशिएशन कितना 60 लाख माइनस ढाई लाख में बिकेगी पांच साल की लाइफ 1150 पुरानी मशीन पे डेप कितना जीरो क्योंकि उसकी तो डब्ल्यू जीरो हो चुकी है तो पुरानी का डेप्रीशिएशन जीरो था तो एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन इलेवन लगेगा तो अब सी एफ एटी निकालते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा कलेक्शन कितना होगा फोर्टी खर्चा कितना होगा एक्स्ट्रा कितना लगेगा 1150। से मिलेगा तो टी जीरो पर इतने पैसे गए और टी वन से टी फाइव पर इतने पैसे आपको मिलेंगे इंक्रीमेंटल अब लास्ट फेज लाइफ टी फाइव टी फाइव पर क्या होगा यानी लास्ट में तो जो नई मशीन है साठ लाख की वो तो ढाई लाख में बिक जाएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है पुरानी मशीन भी पैंतीस हजार में बिक सकती है अगर लास्ट तक उसको रखोगे तो लेकिन पुरानी मशीन को अगर पैंतीस हजार में बेचोगे पांच साल के बाद तो उसकी डब्ल्यू डीबी तो जीरो है इनकम टैक्स वाले फिर से टैक्स मांगने आ जाएंगे तो आज बेचोगे ढाई लाख में तो भी टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि उसकी डब्ल्यू डीबी जीरो है वो कहेंगे ढाई लाख का प्रॉफिट है टैक्स दो अगर पांच साल बाद पैंतीस हजार में बेचोगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि डब्ल्यू डीपी जीरो हो गई है जिसकी डब्ल्यू भी जीरो

और लास्ट में कितना फालतू मिलेगा पॉजिटिव एनपीवी आ गया तो रिप्लेसमेंट कर दो फिर हम एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करके नई मशीन को खरीद लेंगे ओके इसके बाद में आता है बीबी -बी क्यू इसमें डब्ल्यू भी है और ब्लॉक ऑफ एसेट भी है इसमें दोनों कंसेप्ट है एक्स वैल्यू लिमिटेड है मशीन विच हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर थ्री इन तीन साल से एक मशीन इनके पास चल रही है मशीन रिमेनिंग लाइफ ऑफ विद नो सेलवेज वैल्यू एट दी एंड करंट मार्केट वैल्यू इज टू लैक कंपनी इज कंसिडरिंग टू परचेज न्यू मॉडल ऑफ मशीन टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वो थ्री थर्टी की थी आठ साल की लाइफ थी इसमें से तीन साल जा चुके हैं अब पांच साल और बचे हैं ठीक है जब ये ली थी थ्री थर्टी की ली थी आज की डेट में ये दो लाख में बिक सकती है लास्ट में जीरो की बिकेगी नई मशीन दस लाख रुपए की है इसकी लाइफ पांच साल है तो रिमेनिंग लाइफ एग्जिस्टिंग मशीन की भी पांच साल है दूसरी मशीन की भी पांच साल है जो नई खरीदने की सोच रहे हो वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं है नई वाली मशीन चालीस हजार में बिक जाएगी लास्ट में एनुअल आउटपुट एग्जिस्टिंग मशीन से तीस हजार है नई वाली से पैंतालीस हजार सॉरी पिछहत्तर फोर्टी फाइव थाउजेंड यूनिट आपकी इंक्रीमेंटल आने वाली है फोर्टी फाइव थाउजेंड यूनिट आपकी इंक्रीमेंटल बनेगी सेलिंग प्राइस पंद्रह रुपए है तो पंद्रह रुपए पर यूनिट सेल प्राइस एक्स्ट्रा मिलेगा तीन हजार घंटे तो सेल भी एक्स्ट्रा होगी पंद्रह रुपये से मेटेरियल भी एक्स्ट्रा लगेगा चार रुपए से लेबर कॉस्ट अभी चालीस रुपए है एक घंटे की कल को सत्तर रुपए होगी एक घंटे की और काम कितना करने वाले हो तीन हजार घंटे तीन हजार घंटे तो तीन हजार घंटे के पहले चालीस रुपए देते थे अब सत्तर देने पड़ेंगे तो तीन हजार घंटे के तीस रुपए फालतू आपकी जेब से जाएंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट अभी पचास से कल पैंसठ होगी पंद्रह हजार रुपए की इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आपकी फालतू जाएगी तो नई मशीन लगाने से फायदा क्या होगा फोर्टी फाइव थाउजेंड यूनिट आपकी एक्स्ट्रा बनेगी जिससे पंद्रह रुपए की आप बेच सकते हो वो हो गया इंक्रीमेंटल सेल ियल चार यूनिट लगेगा तो पैंतालीस हजार यूनिट पे इंक्रीमेंटल मेटेरियल लेबर कॉस्ट हर घंटे की तीस रुपए बढ़ गई वो इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट हो गई इंक्रीमेंटल इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई ठीक है अब क्वेश्चन यहां पर कह रहे हैं द कंपनी यूज डब्ल्यू डी वी मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन ट्वेंटी परसेंट ठीक है एंड इट हैज सेवरल अदर मशीन इन द ब्लॉक ऑफ एसेट ब्लॉक ऑफ एसेट का क्वेश्चन आ गया तो ब्लॉक ऑफ एसेट का ये कहता है

पुरानी मशीन है तीन लाख तीस हजार की जब आपने खरीदी थी तीन साल हो चुके हैं जब तीन साल का बीस परसेंट माइनस करो डब्ल्यू बी से थ्री थर्टी माइनस बीस परसेंट माइनस बीस परसेंट माइनस बीस परसेंट तो इसकी डब्ल्यू बी है 168, मैंने तीन साल का डब्ल्यू बी से माइनस किया है थ्री थर्टी माइनस ट्वेंटी परसेंट फिर बचे हुए परसेंट फिर बच्चे ट्वेंटी परसेंट तो आज की डेट में हमारे ब्लॉक में एक पुरानी मशीन है जिसकी डब्लू डी बी वन सिक्सटी एट नाइन सिक्सटी है ठीक है अब जब देखिए नई मशीन आएगी जो दस लाख रुपए की है अब आपका ब्लॉक कितना हो जाएगा 1168, का ठीक है अब आप पुरानी मशीन को बेचने वाले हो तो वो इस ब्लॉक से चली जाएगी पुरानी मशीन बिक रही है दो लाख रुपए में अब पुरानी मशीन को बेच दो नई वाली आ जाएगी ओल्ड वाली चली जाएगी दो लाख रुपए अब आपका ब्लॉक बचेगा

960 पे लगेगा तो मुझे बताइए डेप्रीशिएशन का जो बेस है वो कितना बड़ा इंक्रीज इन बेस या इंक्रीज इन ब्लॉक ये आपके पास आ गया नाइन सिक्स एट नाइन सिक्सटी माइनस वन सिक्स एट नाइन सिक्सटी आठ लाख रुपए आपके ब्लॉक की वैल्यू बढ़ी है तो इंक्रीमेंटल डेप आठ लाख रुपए के बेस पर आपका बढ़ने वाला है मैं इसका आपको सिंपल फंडा भी बताऊंगा तो ठीक है जी ब्लॉक ऑफ एसेट है ये सारी कहानी अब जरा देखिए सबसे पहले इनिशियल आउटफ्लो निकाला दस लाख की नई मशीन आई पुरानी वाली दो लाख में चली गई आठ लाख रुपए आपका इनिशियल आउटफ्लो हो गया अब पुरानी मशीन के जाने पर टैक्स का कोई लेना देना नहीं है रीजन बींग जब तक ब्लॉक जिंदा है तब तक ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है तो अभी आपका ब्लॉक एग्जिस्टिंग है ब्लॉक ऑफ एसेट के, के केस में इनकम टैक्स मशीन के ऊपर नहीं लगेगा प्रॉफिट या लॉस पर तो मशीन प्रॉफिट में बिके या लॉस में बिके आपको यह दिमाग नहीं लगाना होता तो ब्लॉक ऑफ एसेट होगा तो मशीन का प्रॉफिट लॉस इग्नोर कर देंगे ठीक है जी। तो बस लाख इंक्रीज इन मेटेरियल चार रुपए पर यूनिट इंक्रीज तीन हजार आर्स पर तीस रुपए लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट पंद्रह हजार रुपए बढ़े अब डेप्रिशिएशन का बेस कैसे बनाना है आपको आपको लेना है पहले ओल्ड की डब्लू डीवी तीन तीस की थी तीन साल का डेप्रीशियन माइनस कर दिया ओल्ड आ गया नई मशीन के आने पे ब्लॉक इंक्रीज हो गया पुरानी मशीन के जाने पे गया, तो पहले वन सिक्सटी एट नाइन सिक्सटी का बेस था अब नाइन सिक्सटी एट नाइन सिक्सटी का बेस है इंक्रीज इन ब्लॉक आठ लाख रुपए हो गया हमारा तो हमारा डेप्रीशिएशन आठ लाख रुपए के ब्लॉक पे इंक्रीमेंटल डेप आ जाएगा ठीक है इसका मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ देखिए यहां पर भी ऐसे किया हुआ है वर्किंग नोट में हमने बेस फॉर डेप इंक्रीमेंटेडी भी ले लिया मशीन की थर्टी में डेप माइनस किया एक्टिंग अब दस लाख की मशीन और आ गई है वन एट में और दो लाख की पुरानी बिक गई तो नया बेस हो गया नया ब्लॉक हो गया नाइन सिक्सटी एट का दोनों का डिफरेंस एट लाख इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मैं आपको इसका सिंपल सा तरीका बता देता हूं सिर्फ एक ही काम करो नई मशीन कितने की खरीद रहे हो आप ये बता दो कि सर ब्लॉक में हम दस लाख की नई मशीन ला रहे हैं पुरानी मशीन कितने में बेच रहे हो पुरानी मशीन दो लाख में हम बेच रहे हैं तो मुझे बताइए ब्लॉक के अंदर दस आए, दो लाख चले गए तो ब्लॉक तो आठ लाख से बढ़ेगा तो इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सीधे आप क्या कर सकते हो कि भैया नई मशीन कितने की दस लाख की पुरानी भी की दो लाख की तो जो दो लाख का इनिशियल आउटफ्लो है उतने से ही ब्लॉक बड़ा होगा तो इतने बड़े वर्किंग नोट की नीड नहीं होती ठ लाख रुपए अगर आपका इनिशियल आउटफ्लो है तो ब्लॉक भी आठ लाख रुपए से बड़ा होगा ये ध्यान रखना इसमें वर्किंग कैपिटल नहीं लेंगे मान लो क्वेश्चन में होता कि एक की वर्किंग भी है, तो कैसा होता? दस लाख की नई मशीन पुरानी लाख की वर्किंग कैपिटल में एक लाख चाहिए तो नाइन लाख आ जाता तो नाइन लाख मत ले लेना डिफरेंस लेना है सिर्फ मशीनों के खरीद और बेची का तो नई मशीन कितने की आई दस की पुरानी कितने की गई दो लाख की आठ लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वही आपका इनक्रीज इन ब्लॉक है अब आपके पास ब्लॉक आ गया

उसका 20% निकालोगे ये तो करोगे 128 मैं इसका आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं बहुत ही आसान तरीका आप सिर्फ पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालो कितना है पहले साल का डेप आ गया 160 अब आप मुझे ये बताओ डेप्रिसिएशन का रेट कितना है डेप्रिसिएशन का रेट 20% है तो डब्ल्यूडीवी में एक हमारे पास ट्रिक रहती है वो ट्रिक क्या है जितना रेट ऑफ डेप है हर साल का डेप्रीशिएशन उतना ही रिड्यूस होगा आप पहले साल का डेप निकालो अब आप इसमें से 20 परसेंट माइनस करके देखो कितना आ रहा है 160 में से माइनस करो 20 128 आ जाएगा तो देखिए इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है सीधे डेप्रीशिएशन में से 20 20 परसेंट घटाते जाओ इसमें से 20 परसेंट माइनस करो वन जीरो आ जाएगा आप चेक कर लो इतनी लंबी कैलकुलेशन के बाद भी ये निकालोगे और ऐसा क्यों हो रहा है वो लॉजिक भी बता देता हूं मैथमेटिकली बेसिकली बीस परसेंट डेप है तो आपका जो बेस है वो बीस परसेंट कम हो रहा होगा क्योंकि एसेट का बीस परसेंट बेस कम हो रहा है ना डेप्रीशियशन लग रहा है तो जब एसेट का बेस बीस परसेंट कम होगा तो डेप्रीशिएशन भी बीस परसेंट कम हो जाएगा हर साल अगर डेप्रीशिएशन पच्चीस परसेंट होगा तो पच्चीस परसेंट एसेट डेप्रीशिएट हो गई तो डेप्रीशिएशन भी पच्चीस परसेंट रिड्यूस होता चला जाएगा तो जो भी डेप का रेट हो डब्ल्यू डी में बीस परसेंट है तो सिर्फ पहले साल का डेप निकालो उसके बाद में बीस बीस परसेंट माइनस करते चले जाओ ये आप कैलकुलेटर पे परसेंट तो यहां से यहां माइनस बीस परसेंट बस यहां से यहां माइनस के बीस परसेंट यह आ गया अब बस टैक्स माइनस करा इंक्रीमेंटल डेप जोड़ा सी एफ ए टी आपके पास आ गया अब आ जाइए इनिशियल आउटफ्लो आठ लाख रुपए पहले साल से चौथे साल तक का जो भी था आपके पास सी आ गया, लास्ट में इंक्रीमेंटल और जो नई मशीन है वो चालीस हजार में बिक जाएगी उसकी वैल्यू आ गई थ्री ट्वेंटी तो कर लेंगे बहुत बढ़िया अब हमारे पास इसके आगे के सारे क्वेश्चन हो गए ठीक है एक कंसेप्ट है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये बेसिकली सीए फाइनल के अंदर है इसका सीए इंटर में ना तो कोई कांसेप्ट है कोई कांसेप्ट नहीं दिया कुछ नहीं दिया लेकिन एक क्वेश्चन रखा हुआ है स्टडी मैट में और वो क्वेश्चन भी रॉन्ग सॉल्व कर रखा है तो मैंने बच्चे बहुत डाउट पूछते हैं इसके ऊपर इसलिए मैंने इसको स्टडी में इसमें बूस्टर में इस बार रख दिया मैं क्वेश्चन आपको पढ़वा देता हूं

एक्सवाइजेड लिमिटेड इज प्रोजेक्टली ऑल इक्विटी फाइनेंस डायरेक्टर टू सेवेंटी लैख कैपिटल एक्सपेंडिचर दो सौ सत्तर लाख की जरूरत है दे एक्सपेक्ट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड एनुअल कैश फ्लो फोर्टी टू लैख इनडेफिनेटली कह रहे हैं हमें पूरी जिंदगी फोर्टी टू लैख मिलते रहेंगे विच इज नेट ऑफ ऑल टैक्स एडजस्टमेंट तो पूरी जिंदगी बयालीस लाख रुपए मिलते रहेंगे तो जब भी क्वेश्चन के अंदर आता है इंफिनाइट पीरियड तक की हमारे पास कोई चीज आ रही है वैसे तो सारे क्वेश्चन में क्या था टी जीरो पे लगा टी वन टी टू कोई टी एन दे देते थे अगर टीएन नहीं है बल्कि इन्फिनाइट पीरियड है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका होता है जो भी चीज आपके पास है जैसे मान लो यहां पर है अमाउंट फोर्टी टू है हर साल फोर्टी टू लेके आएंगे तो उसकी लाइफ टाइम की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो उसको डिस्काउंट रेट से एक ही बार में डिवाइड कर दो जैसे दस परसेंट डिस्काउंट रेट है तो दस परसेंट डिवाइड कर दो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी पूरी लाइफ की तो अगर कोई भी इंडेफिनेट पीरियड तक चलता है तो उसको सिंपली डिस्काउंट रेट से एक ही बार में डिवाइड कर देते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू पूरे साल की मानी जाती है द डिस्काउंट रेट इज फोर्टीन परसेंट ओके तो 270 लाख आपकी जेब से जाएंगे 42 लाख जिंदगी भर आएंगे एक या दो साल नहीं जिंदगी भर तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालनी है तो फोर्टी टू परसेंट से डिवाइड करो जो भी आ रहा है आपकी वो वैल्यू डायरेक्टर ऑफ करंट कैपिटल स्ट्रक्चर फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ टैक्स टू फाइनेंस द न्यू प्रोजेक्ट अनडेटेड परपीचुअल डेट सिक्योर्ड ऑन द कंपनी कि हम परपीचुअल डेट निकाल रहे हैं यानी लाइफ टाइम के लिए डेट निकाल रहे हैं ओके okay. कंपनी इंटेंड टू इशू सफिशियंट डेट टू कवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड आफ्टर टैक्स ऑफ इशू करंट एनुअल ऑफ इंटरेस्ट बाई द मार्केट ऑन कॉर्पोरेटेटेडेंट टेन परसेंट का रेट चल रहा है आजकल डेट में मार्केट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू इज टेन लाख रुपए रेट थर्टी परसेंट तो इशू करने का खर्चा इनको दस लाख रुपए आ जाएगा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एडजस्टेड ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के हम बोलते हैं ए बी बी फाइनल का कंसेप्ट है लेकिन एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो लिखवा रहा हूँ इसको समझने की कोशिश मत करना पर मैं समझा रहा हूँ एडजस्टेड पी वी में पहले आप बेसकेस पी भी निकालते हैं और फिर फाइनेंस की वजह से होने वाले फायदे को भी ले, ले लेते हैं ओके okay. अब देखिए हमारे पास सिंपली जेब से कितने पैसे जाएंगे टू सेवेंटी लैक जाएंगे मशीन पर ओके okay. और फोर्टी टू लैख लाइफ टाइम आएंगे 14 है. तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पीवी ऑफ आउट फ्लो तो फोर्टी टू लैख डिड बाई पॉइंट वन फोर यह पीवी ऑफ इनफ्लो और टू सेवेंटी लैख आउटफ्लो है माइनस हो गया ये हमारे पास आ गया थर्टी लैख इसको हम बोलते हैं बेस केस एनपीवी ओके अब जो डेट है उसको इशू करने का खर्चा कितना है दस लाख रुपए तो तीस लाख रुपए हमारे बिजनेस में है अभी बेस दस लाख रुपए इशू एक्सपेंस है पैसे चाहिए कितने अगर डेट से मंगवाएं तो दो सौ सत्तर लाख की मशीन है दस लाख रुपए तो आपके इशू एक्सपेंस हो जाएंगे तो आपको टू एटी लैख मंगवाने पड़ेंगे टू सेवेंटी मशीन में लगाने हैं और डिवेंचर से अगर पैसा मंगवाऊं तो दस लाख इशू कॉस्ट है तो मुझे टू एटी लैख मंगवाने पड़ेंगे दस लाख रुपए इशू एक्सपेंस के भी मंगवाने पड़ेंगे तो आपको कितना डेट रेज करना पड़ेगा टू सेवेंटी और दस लाख इशू एक्सपेंस का आपको डेट रेज करना पड़ेगा ठीक है अब टू एटी लैख का अगर आप डेट इशू करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दस परसेंट अट्ठाईस लाख रुपए हो गया आपका इंटरेस्ट एक साल का तीस परसेंट है टैक्स का रेट तो आपको एक साल का टैक्स बेनिफिट कितना होगा इंटरेस्ट के ऊपर एट पॉइंट फोर बेनिफिट पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू है लाइफ टाइम की एक साल की प्रेजेंट वैल्यू एट पॉइंट फोर लाइफ टाइम की प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास टेन परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेनिफिट को डिवाइड कर दिया ये आगे खर्चा कितना हो गया दस लाख बेनिफिट कितना हो रहा है टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट पूरी लाइफ में चौरासी लाख तो हमारे पास ही आ गया वन जीरो फोर लैख का एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू अब क्वेश्चन ने दूसरा पॉइंट इसमें बोला है कि एडजस्टेड डिस्काउंट रेट बताओ एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का मतलब होता है जिस पर एनबीपी जीरो हो जाए उसे हम कहते हैं एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आ जाइए अब हमारे पास जेब से कितने पैसे जा रहे हैं टू सेवेंटी लैख तो जा रहे हैं मशीन के दस लाख जा रहे हैं हमारे इशू एक्सपेंस टू यहां पर अब हमें चाहिए एनुअल इनकम जो भी होगी पहले हमारी एनुअल इनकम क्वेश्चन ने बताई थी फोर्टी टू लैख अब हमें एक ऐसी एनुअल इनकम चाहिए जिसकी प्रेजेंट वैल्यू एडजस्ट करने के बाद में माइनस का वन जीरो माइनस का वन जीरो सौ चार लाख है अब हमें अपनी इनकम को वन जीरो फोर लैख गिर पड़ेगा हमें इसको जीरो लेक पर लेकर आना है तो जीरो पर लाना है आपको तो माइनस वन जीरो फोर करना पड़ेगा ठीक है जी अब हमारे पास टू एस सामने जाकर एड हो गया ये लो जी ये बन गया हमारे पास वन सेवेंटी सिक्स लैख

लेकिन स्टडी मटेरियल में है तो मैंने यहां पर रख लिया और इसके ऊपर बच्चे बहुत ज्यादा डाउट पूछते हैं हर बार सौ डेढ़ सौ डाउट इसी के ऊपर आ जाते हैं यह सिलेबस में नहीं है एक बार देख जाना समझ में आता है तो नहीं समझ में आता तो नमस्ते कर देना कैपिटल बजटिंग का काम समाप्त कैपिटल बजटिंग का काम समाप्त लाइव चैट ऑन कर दी है अब बच्चे हमसे बातचीत कर सकते हैं सिर्फ दो तारीख और तीन तारीख कल सुबह दस बजे और छह बजे एक एक सेशन होगा देखो ढाई घंटे में खत्म हो गया कैपिटल में तो बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं ये इतना बड़ा चैप्टर ढाई घंटे में खत्म हो गया कल सुबह दस बजे और शाम को छह बजे दो सेशन और होंगे फिर परसों सुबह दस बजे और शाम को छह बजे दो सेशन और होंगे एफ पूरा खत्म हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके का रिविजन नहीं मिलेगा कहीं भी इस तरीके का कोई रिविजन आपको कहीं नजर नहीं आएगा पूरा का पूरा चैप्टर सबसे पहले तो ये बताओ आपको रिवाइज हो गया या नहीं याद हो गया या नहीं और क्वेश्चन भी एक नंबर है या नहीं जी अच्छा कई मैं आपको बता दूं यहां पर जो भी क्लासेस जो भी वीडियो चल रही है जो कुछ भी है ये सब यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा हम लोग यूट्यूब से कोई वीडियो नहीं हटाते तो अगर कोई बच्चा नहीं देख पाया आपको कोई दोस्त वगैरह उसको रेफर कर दीजिएगा बाकी आप साथ के साथ आप अगर साथ के साथ जैसे यहां पर रिवीजन चल रहा है लाइव रिवीजन उसी के साथ रिवीजन करेंगे तो बेटर रहेगा आप एक चीज को देखेगा देखो मेरा फोकस है बच्चों का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए लाइव चैट पूरे टाइम बंद कर दी लाइव चैट कोई बंद नहीं करता लेकिन डिस्टर्बेंस होता है तो क्यों नहीं करें बंद तो बच्चों को लाइव चैट नहीं चाहिए उन्हें पढ़ने से मतलब है हमें पढ़ाने से मतलब है और अब बच्चों का दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि सर लिख के करें या नहीं मैं आपको एक बात कह रहा हूं देखो आज का दिन कल का दिन और परसों का दिन तीन दिन एफएम के लिए दे दो बस ज्यादा नहीं चाहिए तीन दिन अब मुझे बताओ ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं हैं अभी अभी टाइम क्या हुआ है बज रहे तो साड़े नौ, साड़े दस, आप एक से डेढ़ घंटे में या दो घंटे में इसके सारे क्वेश्चन लिख के कर सकते हो मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा तो दो घंटे में अब कैपिटल बजटिंग के ये वाले जो क्वेश्चन मैंने यहां पर दिए हुए ये लिख के कर लो एक बार जैसे ही आप लिख के करोगे चाहे रफ में लिख के कर लो रफ में कर लो लिख के ऐसा नहीं कह रहा कि पूरा प्रेजेंटेशन करो ऐसा करो वैसा करो तो सर सिर्फ लिख के कर लो और ये वाले जो क्वेश्चन है इनको लिख के कर लो क्वेश्चन कितने सारा का सारा कवर है बी क्यू फोर्टी फोर से लेकर और बी क्यू फोर्टी फोर से फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन माइनस फोर्टी फोर प्लस वन केवल चौदह क्वेश्चन है इसमें जिसमें से एक क्वेश्चन तो हमें करना ही नहीं है फिफ्टी सिक्स सिर्फ तेरह क्वेश्चन करने हैं सिर्फ तेरह क्वेश्चन तो तेरह क्वेश्चन लिख के कर लो एक से डेढ़ घंटे में हो जाएंगे कैपिटल बजटिंग की जयराम जी की हो जाएगी और एक दो घंटे कुल लगेंगे तीन दिन में पूरी एफ खत्म होगी यहां पर अब हम लोग मिलेंगे कल सुबह दस बजे कल सुबह दस बजे हम क्या करने वाले हैं शेड्यूल में मैं खुद भी देख लू जरा बच्चों कल सुबह हम करने वाले वर्किंग कैपिटल और डेटर्स मैनेजमेंट तो कल सुबह वर्किंग कैपिटल और डेटर मैनेजमेंट होंगे तो जी कल वर्किंग कैपिटल और डेटर्स मैनेजमेंट होंगे लाइन में ऊपर लगा दिए गए हैं और आपके पास में ई बी के अंदर हमारा कैपिटल वेस्टिंग खत्म हो गया कल वर्किंग कैपिटल और वर्क रिसीवेबल मैनेजमेंट पेबल मैनेजमेंट होगा तो कल सुबह दस बजे हम इसे खत्म करेंगे बिल्कुल आराम से कंसेप्ट चलेगा आराम से क्वेश्चन समझाऊंगा कैलकुलेटर लेके आप बैठना दो सवा दो घंटे का सेशन होगा सेशन खत्म होने के बाद लिख के कर लेना तुम्हें कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता बल्कि बहुत बढ़िया नंबर भी आपके कन्फर्म में आ जाएंगे तो आज के लिए हमारा सेशन खत्म हम लोग मिलते हैं अब कल सुबह दस बजे ठीक है जी ओके जी सभी को टाटा बाय बाय